हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नीट के AIPMT के वो डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ में बच्चों अपन 2014 AIPMT 2014 उसके फिजिक्स का पेपर, उसका सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF भी मिल जाएगा बच्चों, और आपको और भी पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन है उनके वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे। आइए बच्चों 2014 के AIPMT के पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वो दिया हुआ है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, माध्य मुक्त पथ किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। बच्चों मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? मीन फ्री पाथ जो होता है, मीन फ्री पाथ का मतलब होता है जैसे कोई गैस अपन ले लें किसी चैम्बर में, मान लीजिए ये कोई पात्र होता, ये कोई वेसल होता, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स होते मान लीजिए, ठीक है, और इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना उसको हम मुक्त पाथ कहते हैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल, या फिर उसे ऐसे भी कह सकते हैं अपन कि डिस्टेंस बिटवीन कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो चली गई दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते थे, और या फिर अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि लैम्डा का फॉर्मूला होता था 1/√2πNd²। ये लैम्डा या माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला होता था, इसका मतलब क्या है वो मैंने आपको बताया ही। एन होता था अणुओं की संख्या प्रति आयतन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये डी व्यास होता था, डी डायमीटर होता था, मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होता था। बच्चों डायमीटर और रेडियस समानुपाती होते हैं, व्यास और त्रिज्या समानुपाती होते हैं, तो यहाँ से लैम्डा 1/D² के समानुपाती बोलना चाहिए था, या 1/R², तो लैम्डा और R² व्युत्क्रमानुपाती होगा, लैम्डा और R² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास में ये पढ़ाते हैं, KTG में आना चाहिए था आपको। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, 1D का क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग वो अपने को चाहिए। बच्चों एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए पहला बिंदु है 2.3, तो पहले कण रहा होगा 2.3 पे, और लास्ट में 13.14 पे, लास्ट में आ गया होगा 13.14 पे। तो वेक्टर सदिश होता है प्रारंभिक से अंतिम की ओर, ये वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर है तो हेड माइनस टेल कर सकते हो आप इसमें, तो इस वेक्टर, ये विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा 13 माइनस टू तो आई कैप में, और 14 माइनस 3 जे कैप में। बच्चों ये वेक्टर या सदिश लिखना आना चाहिए, कितना हो जाएगा ये 11 आई कैप, 13 माइनस 2 11 आई कैप, और 14 माइनस 3 11 जे कैप, 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, बताइए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप अपॉन टी। टाइम बच्चों 5 सेकंड दिया गया है, 5 से डिवाइड कर लेना, तो इसका आंसर ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, 11/5 कॉमन ले लोगे तो आई कैप प्लस जे कैप, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश लिखना आना चाहिए, वो हेड माइनस टेल होता है, और इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है डिपेंडेंसी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों जी का वक्र बनाना है हमें, है ना, जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसका वक्र, उसका कर्व बनाना है अर्थ के लिए। तो बच्चों आप ये बताइए मेरे को कि इनसाइड पॉइंट पे, भीतर के पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट पे जी का फॉर्मूला होता था GmR/R³। सरफेस पे या सतह पर जी का फॉर्मूला होता था GmR², और आउटसाइड पॉइंट्स पे जी की वैल्यू आती थी GmR². और क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव फील्ड है, गुरुत्वीय क्षेत्र आकर्षण का क्षेत्र होता था, इसलिए इन सब के आगे माइनस लगाते थे। कहने का मतलब क्या है कि अंदर वाले पॉइंट्स पे, इनसाइड पॉइंट पे जी आर के समानुपाती होगा, मतलब अंदर वाले पॉइंट्स पे जी और आर के बीच में कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा, और बाहर वाले पॉइंट पे जी और आर इनवर्स रेशियो होगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा।
ये तो कर्व आ नहीं सकता है बच्चों, क्योंकि माइनस में आएगा, ये सब माइनस में है, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, देखिए ठीक है ना। अंदर वाले पॉइंट्स पे G और R प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, और G और R इनवर्स रेशियो है, तो आयताकार अतिपरवलय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और नेगेटिव में बनाना है, अट्रैक्टिव फील्ड है, आकर्षण का क्षेत्र है, माइनस में आएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला हुआ है व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंटेड रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी आपकी। बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इक्वेशन होती थी ई इक्वल्स टू के प्लस फाइव, सबसे पहले एनर्जी ई ही है, क्वेश्चन ने बोला है जब एनर्जी 20% से बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी 0.5 से 0.8 हो गई। शुरुआत में एनर्जी ई थी, शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0.5 मान सकते हो, प्लस फाइव की वैल्यू फाइव आ जाएगी। बाद में क्या होगा, एनर्जी 20% से बढ़ाओगे आप, तो बच्चों एनर्जी 20% से बढ़ाओगे तो 1.2 ई हो जाएगी। 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 0.2, तो 1 में 1.2 जोड़ोगे तो 1.2e इक्वल्स टू 0.8 प्लस 5। एनर्जी 20% से बढ़ाई तो काइनेटिक एनर्जी 0.8 हो गई प्लस 5। अब आप माइनस कर लीजिए, बोलिए 1.2e में से e माइनस करोगे तो 0.2e, 0.8 में से 0.5 माइनस करोगे 0.3, e की वैल्यू आ जाएगी 3/2 या 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, समझ रहे हो, ये 2 नीचे आ जाएगा। अब E की वैल्यू अगर 1.5 आ गई किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन में आप रखते वैल्यूज, बताओ इस इक्वेशन में वैल्यूज रखोगे तो E की वैल्यू कितनी थी, 1.5 इक्वल्स टू 0.5 प्लस 5। बच्चों यहाँ से 5 की वैल्यू 1 दिख रही है आपको, 0.5 इधर चला जाएगा, 5 की वैल्यू 1 आ जाएगी, कार्यफलन या वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, आना चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं, 2014 का पेपर वो सॉल्व कर रहे हैं अपन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा गैल्वनोमीटर एमीटर मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आइए इसका क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वनोमीटर। अब बच्चों ये एक गैल्वनोमीटर ले लिया अपन ने, है ना, और गैल्वनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, गैल्वनोमीटर का प्रतिरोध जी है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, बच्चों गैल्वनोमीटर से एमीटर कैसे बनाया होगा, शंट किया गया होगा, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाया गया होगा, इस पूरे सर्किट को एमीटर कहते हैं, ये पूरा सर्किट एमीटर है, इसमें से करंट आया आई, लेकिन गैल्वनोमीटर में केवल 0.2% करंट जाता है, तो गैल्वनोमीटर में केवल 0.2% मतलब 0.2/100 आई, केवल इतना करंट ही जाता है गैल्वनोमीटर में, तो बचा हुआ करंट इस शंट में से जाएगा, है ना। कितना करंट जाएगा शंट में से, आपको 0.2% माइनस करना पड़ेगा, 100 माइनस 0.2 होता है 99.8%, तो 99.8/100 इनटू आई, इतना करंट यहां से चला जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि टोटल करंट आई था, इसमें से केवल 0.2% ही गया, तो बचा हुआ 99.8% इधर जाएगा, टोटल 100% होता है, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए बच्चों अपने को क्या करना पड़ेगा, इनका विभवांतर, इनका पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम करना पड़ेगा। बताइए विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, ऊपर वाली ब्रांच का आई कितना है 0.2i/100 इंटू जी, आई आर नीचे वाली ब्रांच का भी आई आर कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू है 99.8/100 इंटू आई इंटू एस, समझ रहे हैं, आई इंटू आर, ऊपर वाले का आई आर नीचे वाले का आई आर बराबर कर दीजिए, क्योंकि पैरेलल में समांतर क्रम में वी सेम होता है, पर यहाँ से इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पे 100 से ये 100 भी कैंसिल हो जाएगा, 2G बराबर 998S आ जाएगा, 0.2 और 0.98 है, तो यहाँ से जी की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कैंसिल करोगे 2 4 8 आ गया, और ठीक है ना, 2 से इसको कैंसिल कर रहे हैं अपन, तो 2 4 8 आ गया, 19 आया, तो 2 9 18 आ गया, और 2 9 18 इंटू एस आ गया, ठीक है, तो जी की वैल्यू आ गई 499S के बराबर। अब अपने को एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा है, बच्चों ये पूरा ही एमीटर है, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, एमीटर का रेजिस्टेंस होगा जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये एमीटर का रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो बताइए जी एस, तो आप इसमें जी की वैल्यू क्या लिख सकते थे, 499S इंटू एस,
ये मैंने जी की वैल्यू कितनी लिख दी 499s into s, और नीचे 499s और s जोड़ेंगे तो 500s, तो ये s से s कैंसल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया एमीटर का रेजिस्टेंस आ गया 499s by 500। लेकिन हमें तो g के पदों में इन टर्म्स ऑफ g आंसर चाहिए था, तो बच्चों s की जगह क्या लिख सकते थे, s की जगह g अपॉन 499 लिख देते, तो एमीटर का रेजिस्टेंस आया कितना था हमारे पास 499 अपॉन 500 s के बराबर, s की जगह g अपॉन 499 लिख देना, g अपॉन 499, तो 499 से 499 कैंसिल हो जाएगा, एमीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा g बाय 500, तीसरा ऑप्शन इसका सही आ जाएगा g बाय 500। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल जो हैं वो केवल v इक्वल टू आई आर से हो जाएंगे, थोड़े से लॉजिक आपको चाहिए, बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ गए हैं अपन। बच्चा ये क्वेश्चन नंबर सिक्स मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। अ बलून विद मास m इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, एक बलून है, एक गुब्बारा है जो नीचे गिर रहा है a एक्सेलरेशन से, इसका मास m है, ठीक है, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड। अब इसमें से कुछ मास हटा दिया, मान लीजिए इसमें से x मास हटा दिया, अब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बतानी है। बच्चों बताइए शुरुआत में इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, कौन कौन सा बल लग रहा होगा इस पर, नीचे बच्चों mg लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, अगर इस पर तुम केवल mg लगाते तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन भी ना g होना चाहिए था, क्योंकि इस पर नीचे mg लग रहा है, तो f इक्वल्स टू ma करते तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी g आती, बट a की वैल्यू g से कम है ना, तो यहाँ पर केवल mg लग रहा है, ऐसा मानना गलत है, यहाँ पे कोई और भी फोर्स लग रहा होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर केवल mg लगता ना तो इस a की वैल्यू g होती, जबकि क्वेश्चन ने बोला है a की वैल्यू g से कम है, तो हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और अगर वो बात नहीं समझ में आई तो सुनो, यहाँ पे नीचे कितना लग रहा होगा m माइनस एक्स जी, इतना फोर्स नीचे लग रहा होगा, अगर बल नीचे लग रहा है तब तो इसे नीचे जाना चाहिए था ना, ये ऊपर क्यों जा रहा है, इसका मतलब हो ना हो यहाँ पे कोई ऊपर फोर्स लग रहा होगा। आप मान लीजिए इधर भी एफ फोर्स ऊपर लग रहा है, इधर भी एफ फोर्स ऊपर लग रहा है, मान लीजिए ये कोई बाहर से फोर्स होता, एयर रेजिस्टेंस मान लेते इसे अपन, शुरुआत वायु का प्रतिरोध मान लेते, शुरुआत में ये mg बड़ा हो रहा होगा इस एफ से, इसलिए ये नीचे आ रहा होगा, जब तुमने यहाँ से कुछ हटा दिया मास, तो अब ये एफ बड़ा हो गया होगा इसलिए ये ऊपर चला गया होगा। अब समझ में आ रहा है मेरे कि क्यों ये नीचे जा रहा था, क्यों ये ऊपर जा रहा था, अगर तुम एफ नहीं मानते तो तुम समझा ही नहीं पाते यार, फोर्स नीचे लग रहा है, बल नीचे लग रहा है, तो ये ऊपर कैसे जाएगा सर, इसका मतलब हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई एफ फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो आप एफ की वैल्यू दोनों में निकाल सकते हैं, बताइए एफ की वैल्यू सूडो फोर्स से लिख दो डायरेक्टली, देखो यहाँ पे सूडो फोर्स आभासी बल लगाते, ए नीचे है तो सूडो फोर्स या आभासी बल ऊपर लगता, तो एफ की वैल्यू आ जाती एम जी माइनस एम ए, आ जाती कि नहीं आ जाती, ए नीचे तो एम ए ऊपर आ जाता एम जी माइनस एम ए, यहाँ पे ए ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे आता, सूडो फोर्स नीचे आता आभासी बल नीचे आता तो जुड़ता, मतलब एम माइनस एक्स जी प्लस एम माइनस एक्स ए, सूडो फोर्स नीचे आएगा तो जुड़ जाएगा, ये एफ की वैल्यू है, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व करेंगे अपन तो दूसरे पेन से सॉल्व कर लेते हैं इसे, बताइए इधर क्या लिखा हुआ है एम जी माइनस एम ए, इधर मल्टीप्लाई करो जी को तो एम जी माइनस जी एक्स, एम जी माइनस जी एक्स, और यहाँ क्या आएगा प्लस एम ए माइनस एक्स ए, बच्चों एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, और अपने को x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये एम ए को इधर ले आऊँ तो ये माइनस टू एम ए हो गया, और ये माइनस जी एक्स माइनस एक्स ए, सब माइनस तो कैंसिल ही हो जाएंगे, इधर बचेगा टू एम ए, इधर x कॉमन ले लोगे तो बचेगा g प्लस ए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस g प्लस ए को नीचे ले आना, x की वैल्यू आ जाएगी टू एम ए अपॉन g प्लस ए, 2ma upon g plus a, 2ma upon g plus a, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये सिक्स क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सॉल्व कीजिए बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, आपको एक अलग से फोर्स सोचना पड़ेगा तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन आ गया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 3Li7 4He2 की दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है, क्या रिएक्शन दी हुई है 3Li7 प्लस 1H1 गिविंग 2He4 प्लस Q,
ये रिलेशन दिया हुआ है। बच्चों एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें मिस्टेक थी, वही मिस्टेक यहाँ पे भी की गई है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये 3 और 1 4 है, नीचे 2 ही है, और 7 और 1 8 ऊपर 4 ही है। यहाँ पे 2 हीलियम, हीलियम के 2 न्यूक्लियस बनाने हैं। यहाँ पे रिएक्शन में लिखा नहीं हुआ है, बट आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ होना चाहिए, और नहीं आए तो रिएक्शन बैलेंस कर लेना। अब आंसर आएगा। अब कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन ने बोल रखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दे रखी है किसकी, लिथियम की दे रखी है 5.6, लिथियम की 5.6 और हीलियम की 7.06। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन की एनर्जी है, यहाँ पे तो ऐसे 7 न्यूक्लियन है, सातों की एनर्जी 7 × 5.6 आ जाएगी। यहाँ पे टोटल न्यूक्लियन कितने हैं, एक हीलियम में 4 न्यूक्लियंस होते हैं, तो 2 में 8 न्यूक्लियंस होंगे, एक न्यूक्लियन की एनर्जी इतनी है, तो 8 × 7.06 आ जाएगी। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 7 × 5.6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 6 = 42 और 7 × 5 = 35, 39.2। तो ये तो आ जाएगा 39.2, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 56.48। क्यू वैल्यू आ जाएगी अपने पास, माइनस करना पड़ेगा 56.48 में से, माइनस करना पड़ेगा 39.2 को। ये 8 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया, 16 में से 9 जाएगा, 7 आ जाएगा, 17.28 या 17.3 के लगभग थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रिएक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, नीट AIIMT में बड़े बड़े एग्जामों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है, उनको देखना पड़ेगा आपको, सही से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट्थ में आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर एट्थ में आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, एक प्रिज्म बना लीजिए, प्रिज्म में एंगल ए है, वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, यहाँ पे सिल्वर कर दिया गया है, मिरर बना दिया गया है इधर, लाइट इंसिडेंटेड एट एन एंगल 2A, मान लीजिए लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश बेटा किस एंगल पे आ रहा है, 2A एंगल पे आ रहा है, ठीक है, और लाइट फर्स्ट सरफेस रिटर्न बैक टू सेम पाथ, अब ये सेम पाथ पे लाइट जा रही है, तो लाइट यहाँ से आएगी ऐसे और फिर वापस से सेम पाथ पे चली गई, इसका मतलब हो ना हो यहाँ से 90 डिग्री पर आई होगी, नॉर्मल पर अभिलंब पर जब प्रकाश आएगा तभी तो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। और ये बताओ मेरे को बच्चों कि यहाँ से आई की वैल्यू अगर देखें यहाँ पे अपन, तो यहाँ से ये एंगल मैं मान लेता हूँ कुछ आर मान लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एक पॉइंट बताइए आप कि अपन एक इक्वेशन लिखते थे A=R1+R2, ये होता ही था, A की वैल्यू R1+R2 के बराबर होती थी, है ना, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे R2 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये जो R1 है ना, इस A की वैल्यू ही R1 के बराबर आ जाएगी, और A की वैल्यू अगर R1 के बराबर आ गई, तो अब लगाइए आप स्नेल्स लॉ, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाइए, 1 sin 2A = μ sin A, समझ रहे हैं आप लोग, ये अपने पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे एंगल आर जीरो कैसे हो गया वो समझ में आना चाहिए आपको, यहाँ पे जो नॉर्मल बनाओगे ना बेटा, नॉर्मल से ही एंगल मेजर करते हैं, अभिलंब से ही कोण का मापन करते हैं, अभिलंब से ही कोण का मापन करोगे, अभिलंब पर ही आ रहा है, नॉर्मल पर ही आएगा ये, तो आर टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे केवल आर की कुछ वैल्यू आएगी, स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो यहाँ पे बाहर का जो अपवर्तनांक था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, 1 था, तो 1 sin 2A = μ sin R, बस ये आंसर है। साइन 2A को क्या लिख सकते हो, 2 sin A cos A = μ sin A, साइन ए से साइन ए कैंसल, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 cos A, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 cos A के बराबर, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, रिलेशन बहुत स्टैंडर्ड सा रिलेशन है, एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं, अभिलंब से कोण का मापन करते हैं, ऐसी छोटी बहुत चीज़ें आती होंगी, आंसर आ जाएगा। अगर जो प्रकाश है वो उसी रास्ते से वापस लौट गया तो 90 डिग्री पर ही आपतित हुआ होगा, 90 डिग्री पर आया होगा वो और वापस चला गया होगा, है ना, बस ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, 9th क्वेश्चन पे, इसको हटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, करंट इलेक्ट्रिसिटी का वापस से सवाल आ गया बच्चों, धारा विद्युत की का, रेजिस्टेंस ऑफ 2 arms ऑफ मीटर ब्रिज 5 ओम एंड R ओम, मीटर ब्रिज है 5 और R दिया हुआ है,
when shunted, when resistance R is shunted with an equal resistance, then new balance length is 1.6. अच्छा, अब ये पहले L1 दे रखी है, R की वैल्यू चाहिए. बच्चों यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, 5/L1 इक्वल्स टू R बाई 100 माइनस L1. इस चित्र से ये रिलेशन तो आ ही जाएगा, ये तो मीटर ब्रिज का रिलेशन होता है. अब क्या किया, इस R को शंट कर दिया. शंट मतलब पैरेलल में एक और R लगा दिया. बच्चों R और R पैरेलल में R बाई 2 हो जाएगा. तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे 5 होता तो 5 बाय नीचे नई बैलेंस लेंथ 1.6L1, नीचे 1.6L1, इधर आ जाता R बाई 2, क्योंकि ये R बाई 2 आ जाता. इधर लेंथ आती 100 - 1.6L1. समझ रहे हो, आपको रिलेशन लिखना आना चाहिए. व्हीटस्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज सब ये क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड हैं ये. तो यहाँ पे है क्या, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है. 5 और L1 और R और 100 - L1, ये एक रिलेशन है. और बाद में ये संतुलित लंबाई बाद में बैलेंस लेंथ 1.6L1 हो गई इधर. तो ये 5/1.6L1 R और R पैरेलल में लगाया तो R बाई 2 हो गया. तो इधर लिखा R बाई 2 और ये लंबाई कितनी बचेगी, ये 1.6L थी. तो ये 100 - 1.6 100 - 1.6L. बच्चों यहाँ से तुम्हें निकालना क्या है, R निकालना है. तो सॉल्व करना पड़ेगा, आप इसको अनुपात लीजिए, रेशियो लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास. आओ इसको क्लियर करता हूँ मैं एक बार, और स्पेस लेके इसको सॉल्व करते हैं अपन. तो एक एक रिलेशन लिख लेता हूँ जो अभी बताया था. पहले इससे रिलेशन बताइए, इससे रिलेशन क्या आ जाएगा, 5/L1 इक्वल्स टू R बाई 100 - L1. छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, अब समझ में आ गया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. बाद में क्या किया, यहाँ बैलेंस लेंथ 1.6 हो गई, तो 5/1.6L1 इक्वल्स टू R बाई 2 और 100 - 1.6L1. ये दो रिलेशन से कैसे आए वो अभी मैंने बताया था आपको. इनका अनुपात ले लो, इनका रेशियो ले लो. इनका अनुपात, इनका रेशियो लेते तो ये रेशियो लेते, 5 से 5 कैंसिल होता है, ये 1.6L1 ऊपर जाता तो बचता केवल 1.6. ये 1.6 ऊपर जाता, L1 से L1 कैंसिल हो जाता, R से R कैंसिल होता, ये भी ऊपर चला जाता. तो यहाँ पे आता 2 × 100 - 1.6L1 और नीचे आता 100 - L1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये 0.8 आ जाएगा. बोलो 0.8 को मल्टीप्लाई करो, 80 - 0.8L1 इक्वल्स टू 100 - 1.6L1. कैलकुलेशन नीट में कभी मुश्किल सवाल नहीं आते, कैलकुलेशन ज़रूर आपसे करवाएगा. 80 को इधर ले जाओगे तो 20 = 0.8L1, ये 1.6 इधर आएगा, तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 200/8. बच्चों पॉइंट हटाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, 2 से काटोगे ये 4 आएगा, ये 100 आएगा, मतलब L1 की वैल्यू 25 आ गई. L1 की वैल्यू आ गई 25. अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थी बेटा, R की वैल्यू चाहिए थी. तो ये पहली इक्वेशन थी, 5/L1 की जगह 25, R बाय 100 - L1, 100 - 25 यानी 75 हो जाएगा. 25 को इससे कैंसिल करोगे, 3 आ गया, 3 × 5 R की वैल्यू आ गई 15 ओम के बराबर. कैलकुलेशंस और कुछ नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं है. बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, बेस्ड है मीटर ब्रिज. कैलकुलेशन कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा. याद रखना है R1/L1, R2/L2, ये रेशियो अगर आप लिख लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाते हैं बच्चों. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 cities आर 150 किलोमीटर अपार्ट, 150 किलोमीटर की डिस्टेंस दे रखी है अपने को. इलेक्ट्रिक पावर सेंड कर रहे हैं एक से दूसरे पे, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है 1 किलोमीटर में. द फॉल इन पोटेंशियल पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और 1 किलोमीटर में रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना दिया गया है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है. पावर लॉस निकालना है अपने को, कुल पावर लॉस शक्ति की हानि कितनी होगी. बच्चों पावर का फॉर्मूला V² / R लगा देता हूं मैं, क्योंकि V और R, बच्चों 1 किलोमीटर की निकाल रहा हूं मैं ये, क्योंकि 1 किलोमीटर का V और 1 किलोमीटर का R है. तो 1 किलोमीटर का V कितना था, 8, तो 8 का स्क्वायर, 1 किलोमीटर का R कितना था, 0.5, ये 64 आएगा, 0.5 1/2 आता है 128, तो ऊपर जाएगा 128. ये पावर लॉस आया है 128 वॉट 1 किलोमीटर का. अगर 1 किलोमीटर का पावर लॉस आया है 128, तो 150 किलोमीटर का कितना आएगा, 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 128 × 150 किलो, है ना. ये
अपने पास आया था कितने का, 1 किलोमीटर का आया था, तो यहाँ पे 150 इतना एक किलो की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 किलोमीटर का इतना है तो 150 किलोमीटर का 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ ये कितना आ जाएगा, 128 × 15 और ज़ीरो है ही, बाद में देख लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 8 = 40, 5 × 2 = 10 = 14 और ये 6 और ये 128, 0291 और एक ज़ीरो और 19200 वॉट, ये आंसर है। इसको आप 19.2 किलोवाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट लगाओगे तो किलो आ जाएगा, 9.2 किलोवाट। बहुत आसान क्वेश्चन है, खुद से फॉर्मूलेस निकालो, आ जाएंगे आंसर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रिक्शन दिख रहा है, M1 M2 M3 कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग और द मासेज फ्री है, M1 M2 M3 है, म्यू दिया हुआ है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, अच्छा इसका एक्सेलरेशन निकालना है। बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है फोर्स बाय मास, ये फोर्स याद रखना अलोंग द स्ट्रिंग आता है, रस्सी के अनुदेश जो भी बल है वो लगाना पड़ेगा। बताइए नीचे लगेगा mg, ये जब आगे खिसकेगा तो इस पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन म्यू mg, इस पे भी पीछे फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg, वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू n होती है, यहाँ पर n की वैल्यू mg होगी और यहाँ भी n की वैल्यू mg होगी, n ऊपर लग रहा होगा बट उसकी वैल्यू mg के बराबर आ जाएगी, इसीलिए म्यू mg पीछे लग गया। तो बताइए फोर्स कितना लगा, mg फोर्स तो इसे नीचे खींचना चाहता है लेकिन पीछे की दिशा में 2 mg इसे रोकना चाहता है, और टोटल मास बच्चों 3m आपको दिया हुआ है, mm और m3m, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास g 1 − 2μ/3, ए कॉमन मतलब ए है, जी कॉमन ले लेना, 1 − 2μ/3, 1 − 2μ/3 अगर जी इसमें कॉमन ले लेते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा अपने पास, है ना, जी 1 − 2μ/3, यहाँ पे ये बाहर कॉमन क्या लोगे, जी 1 − 2μ/3, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें तो, या फिर ये आ जाएगा या इसमें भी यहाँ पे 2 कर दें लेकिन नीचे 3 नहीं है, करेक्शन करना पड़ेगा, ये सही आंसर है जो बताया गया है, थर्ड ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा, ये सही आंसर है, याद कर लेना किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगले सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12th में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। बच्चों डी ब्रोगली वेवलेंथ होती थी h/mv, h/p होती थी, h/mv भी लिख सकते हो, और p को आप क्या लिख सकते हो, p को √2mk लिख सकते हो, है ना, मोमेंटम को √2mk लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती थी ½mv², इसको m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू आ जाएगी m²v² / 2m, यानी k की वैल्यू आ जाएगी p²/2m, यहाँ से p की वैल्यू √2mk दिख रही है, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। यहाँ से लैम्डा और रूट के व्युत्क्रमानुपाती, लैम्डा और रूट के इनवर्स रेशियो में लिख सकते हो, 1:1:2 खेलो, λ1 λ2 √k2k1, 1 वाली चीज़ों को 100 मान लिया करो, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, बाद में क्या किया गया है, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज टू 16 टाइम, अब काइनेटिक एनर्जी पहले 100 थी, अब 16 गुना कर दी तो 1600 हो जाएगी, लैम्डा कितना हो जाएगा वो निकालना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, रूट 16 मतलब 4 आएगा, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 100/4 यानी कि 25, रूट 16 कितना हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 25 आंसर नहीं है, 25 तो लैम्डा हो गया, है ना, तो परसेंटेज चेंज कितने का आया होगा, जो भी आंसर आता है इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, इसमें से 100 माइनस करोगे -75%, मतलब लैम्डा 75% से डिक्रीज हो जाएगा, होना भी चाहिए था, जब के को आप बढ़ाओगे तो लैम्डा कमी तो आएगा, ठीक है, तो 75% आ जाएगा, इसमें 25 आंसर रहता है, आप जो मिस्टेक करते नीट उसका आंसर देता है, तो आप 25 पे रुक जाते तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाता जो गलत होता, 75% से लैम्डा कम हो जाएगा, ये उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है बीम ऑफ लाइट लैम्डा 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन सिंगल स्लिट 1 mm रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ऑन स्क्रीन 2 meters अवे। तो ये स्क्रीन है, ये दूरी आपको दे रखी है 2 mm,
टू मीटर है ना, सिंगल स्लिट है और इसकी विथ दे रखी है आपको, और ये आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर, लैम्डा आपको दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ जो डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज जो दोनों तरफ बनेगा इसके बीच की दूरी चाहिए, मतलब ये अपने को डिस्टेंस चाहिए। वैसे तो इसका डायरेक्टली फार्मूला होता है, और अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला नहीं भी आता हो तब इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, हम मान लें यहाँ से वाई डिस्टेंस पर अगर डार्क मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है, तो होगा क्या, वाई बाय डी को टेन थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ये वाई है, ये नीचे डी है, वाई बाय डी को टेन थीटा लिखा जा सकता है ना। और बच्चों पाथ डिफरेंस आता है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, और वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए। क्यों लैम्डा के बराबर होना चाहिए, मिनिमा के लिए है ना, सिंगल स्लिट में उल्टा आ जाता है, पाथ डिफरेंस लैम्डा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा लैम्डा बाय डी, साइन थीटा टेन थीटा को बराबर कर दो, साइन थीटा टेन थीटा को बराबर करते तो वाई बाय कैपिटल डी की वैल्यू आ जाती लैम्डा बाय डी के बराबर, वाई बाय कैपिटल डी की वैल्यू लैम्डा बाय डी के बराबर, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाती यहाँ से है ना, वाई की वैल्यू आ जाती लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो बताइए ये y है तो नीचे ये वाली डिस्टेंस भी तो y होगी, तो हमें जो डिस्टेंस निकालने को बोली गई है, हमें 2y डिस्टेंस निकालने को बोली गई है, 2y मतलब 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, उन्हें रखेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। आइए वैल्यूज रख देते हैं, इसमें 2 की जगह 2 आएगा, लैम्डा की जगह आएगा 600 और नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9, कैपिटल डी की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 और आ गया, और नीचे स्मॉल डी कितना बचो, 1 मिलीमीटर मतलब 10 की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 6 12 12 2 24 24 तो आ ही रहे, और 10 की पावर और दिखनी पड़ेगी, 10 की पावर ये -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 और 2 5, तो 10 में से अगर तुम मतलब 9 में से 5 हटा दोगे तो -4 बचेगा, यानी 2.4 × 10 की पावर -3, समझ रहे हो, ये 10 की पावर माइनस 4 था तो एक इसे दे दिया, 2.4 × 10 की पावर -3 मतलब 2.4 मिलीमीटर फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। वैसे डायरेक्टली भी ये रिजल्ट याद रहता है, वरना डेरिवेशन करके निकाल सकते हो चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है ब्लैक होल है ना, एक कृष्ण विवर है, ब्लैक होल होता है जिसमें से लाइट भी बाहर नहीं जा सकती है, उसकी रेडियस बतानी है अपने को, अगर अर्थ जो है उसको कंप्रेस किया जाए और ब्लैक होल बनाया जाए, मतलब एस्केप वेलोसिटी वो ज़्यादा आनी चाहिए लाइट की वेलोसिटी से भी, लाइट भी उससे बाहर नहीं जा सकती है, मतलब अपवहन चाल प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा होगी, जो पलायन चाल होती थी वो पलायन चाल या एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो लाइट भी बाहर नहीं जा पाएगी, समझ लो। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gm/r, और ये लाइट की स्पीड से बड़ी होनी चाहिए, लाइट की स्पीड मतलब 3 × 10 की पावर 8। सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसे सॉल्व कीजिए, √2g की वैल्यू 6.67 × 10 की पावर -11, अर्थ का मास दिया हुआ है 5.98 × 10 की पावर 24, और ये रेडियस, ये त्रिज्या आपको निकालनी है, ये बड़ी होनी चाहिए 3 × 10 की पावर 8 से। बच्चों याद रखना, नीट में मुश्किल सवाल नहीं आते, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे। अब ये बताइए, ये 6.6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 के लगभग आ जाएगा, 6.5 मानो तो 13 आ जाएगा, और ये 6 है, 13 × 6 है ना, तो 78 आ जाएगा, तो ये तो 78 आ गया, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 13 हो गया, 13 × 6 वो 78 आ गया, और ऊपर 10 की पावर कितनी आ गई बच्चों, 10 की पावर 24 में से 11 जाएगा तो 13 बच जाएगा अपॉन आर, और स्क्वायर किया है तो ये 9 × 10 की पावर 16 9 × 10 की पावर 16 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू छोटी आनी चाहिए या बराबर आनी चाहिए
78 इंटू 10 की पावर 13, 9 इंटू 10 की पावर 16, ठीक है। ये अपन कैंसिल करते इसे, तो ये कितना आ जाता, 9 8 72, और 60 आ जाता, 9 6 54, 8.6 आ जाता, और 10 की पावर माइनस 3 आ जाता है। कितना आ जाता, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके। तो R कम होना चाहिए था किससे, 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर से। रेडियस इसकी 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर से कम होनी चाहिए थी, यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी वैल्यूज हैं उनको देखिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से यही अपने पास आंसर आ जाएगा। 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो 8.6 को अगर अपन लगभग 10 माने, क्योंकि कैलकुलेशन में अपन ने इसको 13 माना है, जबकि ये 13 से बड़ी संख्या आएगी, इसको अगर आप 10 मानो तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये 10 की पावर माइनस 2 मीटर, यानी थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 14th क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अपन इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला हुआ है, ऑसिलेशन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द ग्राफ विल करेक्टली शो वेरिएशन ऑफ ए विद टी। बच्चों एक्सेलरेशन और टाइम, ए और टी का ग्राफ अपने को बनाना है। एक्स दिया हुआ है ए कॉस ओमेगा टी, बताइए एक्स है ए कॉस ओमेगा टी, तो डिफरेंशिएशन अवकलन भी कर सकते हो, या फिर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद है आपको फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, यानी ए का ग्राफ माइनस एक्स के ग्राफ जैसा होगा, माइनस एक्स, एक्स कैसा है कॉस है, तो ए का ग्राफ होगा माइनस कॉस थीटा। कैसा होता है माइनस कॉस थीटा बच्चों, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, कॉस थीटा ऐसा होता है, ये होता है कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा कैसे होगा, इस तरीके से होगा, माइनस कॉस थीटा मतलब थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन दो बार डिफरेंशिएशन करो, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है ना, मतलब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता, माइनस साइन का फिर माइनस कॉस आ जाता, कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर थर्ड इसका आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, अगले सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 16th में बोला हुआ है सॉलिड सिलेंडर रोटेशन का क्वेश्चन आ गया, सॉलिड सिलेंडर का मास दिया हुआ है 50 किलोग्राम, रेडियस दी हुई है 0.5 मीटर, और मासलेस स्ट्रिंग है, तो ये सिलेंडर है, यहाँ से ये रस्सी बांध रखी है, और वन एंड इज अटैच्ड, फ्री टेंशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पे टेंशन निकालनी है अपने को कितनी आएगी, टॉर्क बराबर आई अल्फा, बलाघूर्ण बराबर आई अल्फा, ये फॉर्मूला लगाते हैं, टॉर्क कितना होगा टी इंटू आर, ये रेडियस आर आ जाएगी, तो टी इंटू आर ये टॉर्क आ जाएगा, बल गुणा लंबा दूरी टी इंटू आर आई। बच्चों सॉलिड सिलेंडर है, इसका आई आएगा एम आर स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। बच्चों अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसने रेवोल्यूशन दिया हुआ है, रेवोल्यूशन है ना, तो रेवोल्यूशन में 2 पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में रेडियन कितना हो जाता है 2 पाई, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू थोड़ी ध्यान से लिखनी पड़ेगी, अल्फा की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बस यूनिट का चक्कर था यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, तो अल्फा लिख देंगे यहाँ पे, अभी वैल्यूज हैं हमारे पास। तो अपने को चाहिए क्या था, अपने को टी चाहिए था, आर से आर कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास आ गया टी का एम आर अल्फा बाय टू, एम आर अल्फा बाय टू, एम की वैल्यू कितनी है 50, आर की वैल्यू कितनी है 0.5 मतलब 1/2, अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई, और नीचे एक ही है 2 का 2 है ही, ये 4 से 4 कैंसिल, 50 इंटू पाई ये आंसर आ जाएगा, 50 इंटू पाई मतलब 150 से तो बड़ा ही आंसर आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 150 से बड़ा आंसर ही है कि 157 4th ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों बहुत सारे बच्चे ये सवाल गलत करके आए थे, क्योंकि उन्होंने 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 2 ही लिख देते थे, अल्फा की वैल्यू 2 लिख दोगे तो वो वाला ऑप्शन भी AIPMT देते ही है, एम की वैल्यू 50, आर की वैल्यू 1/2, अल्फा की वैल्यू 2 और नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल 25, देखिए 25 भी ऑप्शन दिया हुआ है, और लोग यही करके आए थे। इस पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, AIPMT के पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि तुम जो मिस्टेक करोगे उस मिस्टेक्स के ऑप्शंस होते हैं, इसलिए बच्चे के नेगेटिव मार्क्स होते ही होते हैं,
बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना है। नीट का पेपर आसान होता है, ध्यान से सवाल पढ़ेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। सही आंसर इसका फोर्थ है, क्योंकि आपको रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर को रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, अल्फा को 2π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगले सवाल, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द एक्सेलरेशन विदाउट रोलिंग। बच्चों देखिए, सब एक सॉलिड स्फीयर है जो पहले क्या कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग, बिना फिसले लुढ़क रहा है, तो शुरुआत में प्योर रोलिंग हो रही है, शुद्ध लोटनी गति हो रही है, और बाद में रोल नहीं कर रहा है, केवल फिसल रहा है, तो बाद में केवल ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, केवल स्थानांतरित गति हो रही है। तो बताइए, प्योर रोलिंग अगर होगी तो एक्सेलरेशन होता था जी साइन थीटा अपॉन 1 k² / r² और ट्रांसलेशनल मोशन जब फिसलता है ऑब्जेक्ट तब एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा, आंसर आ जाएगा 1 / 1 k² / r², ठीक है। जी साइन थीटा से जी साइन थीटा कैंसिल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। तो रोटेशन में जब प्योर रोलिंग होगी तो क्या आंसर आता है, ट्रांसलेशन का क्या आंसर आता है, फॉर्मूले दें। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, सॉलिड स्क्वायर का आई होता है बच्चों 2/5 mr², जो mr² के आगे नंबर लिखा रहता है ये 2/5, यही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है। तो आंसर आ जाएगा 1/1 + 2/5। 2/5 में 5 ऊपर और 7 नीचे, 5 ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 7 आ जाएगा, 5/7 फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोला है, थिन सर्कुलर रिंग है आर रेडियस की, वर्टिकल में पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इट स्पीड्स इज वी। बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आता था वो BLV आता था, बट ध्यान रहे तीनों लंबवत, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। बी किस डायरेक्शन में है, क्रॉस में है, अंदर की तरफ है, मतलब माइनस के में है। वी बोला नहीं गया है, बट इसने वी हॉरिजॉन्टल या ऊर्ध्वाधर, जब गिरती हुई वाले की चाल भी है, अच्छा तो मतलब ये नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है मतलब वाई डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी की तरह आ जाएगी, वाई डायरेक्शन में आ जाएगी, जे कैप मान लो इसे। और डिस्प्लेसमेंट, ये एल डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश होता था, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन में जो 2r आ जाएगा, 2r आ जाएगा, ये एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। बताइए तीनों परपेंडिकुलर है क्या, बी वी और एल सब परपेंडिकुलर है एक्स वाई जेड, यानी कि आंसर आ जाएगा बी की जगह बी, वी की जगह वी, एल की जगह 2r। तो बी और वी इंटू 2r, ये ऑप्शन ही एक दिया हुआ है, आर हाई पोटेंशियल पे होगा। अब आर हाई पोटेंशियल पे होगा ये आप कैसे बता सकते थे बच्चों, बल की दिशा किधर आएगी, देखिए ये जो है ना व्हेन इट्स स्पीड इज वी, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि ये, और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है इट फॉलिंग, ये नीचे गिर रही है ना, तो ये एक रॉड है, ये एक छड़ है, इसकी वी नीचे की तरफ है, तो बताइए मेरे को, और बी अंदर है, तो एक मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता था क्यू वी क्रॉस बी। बताइए मेरे को ये क्यू वी क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर आएगी, वी नीचे है तो वी इधर हो गया, बी अंदर है तो बी इधर हो गया, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आ गई, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आ गई, तो इधर सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज सारे इधर आ जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट आर था, तो आर हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, वही लिखा हुआ है। वैसे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि मैग्नीट्यूड या परिमाण एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, तो फोर्थ इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्शन हाई पोटेंशियल की निकाल सकते हो आप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और अगला प्रश्न आ जाएगा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। तो बच्चों पाथ डिफरेंस जब लैम्डा है तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, के दे रखी है, ठीक है। पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 2π होता है ना, तो फेज डिफरेंस 2π होता है, उस समय इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। और इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता था, आई का फॉर्मूला होता था I1 + I2 + √I1 I2 और cos 2π, cos 2π है ना, तो cos 2π की वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगी,
है ना, कॉस टू पाई की वैल्यू वन होती है, तो और ये भी टू आई हो जाएगा, टू आई, आई और आई यानी फोर आई आ जाएगा, समझ रहे हो। फोर आई का मतलब ये जो आपको इंटेंसिटी की वैल्यू के दे रखी थी ना, इसकी वैल्यू फोर आई माननी है। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी। आप बताओ लैम्डा पे मैक्सिमा मिलता है कि नहीं मिलता है, और मैक्सिमा जब मिलता है तो इंटेंसिटी 4i होती है, मतलब k की वैल्यू 4i दी हुई है, ये आपको समझ में आना चाहिए। k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4i दी हुई है। ये मैंने पहली लाइन से यहाँ तक जो पढ़ा है उससे मतलब निकाल रखा है कि लैम्डा में इंटेंसिटी k दे रखी है। वैसे लैम्डा में इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी लगा लेते तो वो 4i होता, ये हमें पता है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, देन इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 4। अब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 है तो फेज डिफरेंस हो जाएगा 2π/4 यानी π/2 हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस π/2 हो गया तो अब नई इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos π/2। बच्चों cos π/2 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो मतलब अब नई इंटेंसिटी आ जाएगी 2i। तो k की वैल्यू 4i है तो ये k/2 लिख नहीं सकते गए थे, k बाई टू की वैल्यू तो 4i आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू 4i लिखोगे, 4i को 2 से डिवाइड करोगे 2i आ जाएगा। k/2 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आनी चाहिए कि k क्या है। k मैक्सिमा पर फेज डिफरेंस है, k लैम्डा पर फेज डिफरेंस है ना। तो k जब लैम्डा फेज डिफरेंस पे इंटेंसिटी है तो लैम्डा से या तो तुम एंगल निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो और डायरेक्टली पता हो तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर लेना, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 20। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि x की हाफ लाइफ दे रखी है और y में मतलब स्टेबल में वो टूटता है, बाद में x और y का रेशियो दे रखा है 1:7। ये y स्टेबल है और x अनस्टेबल है, स्टेबल अनस्टेबल में टूटता है, बताइए अनस्टेबल जो है वो अभी बचा हुआ है, वो रेडियो एक्टिविटी अभी शो करेगा, ये शेष है, ये बाकी है, ये डिके हो चुका है, डिके होने के बाद ही तो स्टेबल बना होगा। बताइए 1:7 में 1 वाले को कितना पार्ट मिलता है, 1/8, 7 वाले को कितना पार्ट मिलता है, 7/8। ये 1/8 कौन सा पार्ट होगा, रिमेनिंग फ्रैक्शन होगा बच्चों, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन होगा 1/8, बचा हुआ है 1/8, है ना। 8 कैसे आता है, 1:7 का रेशियो है तो टोटल कितना होगा, 8 होगा। 8 में से एक किसको मिलेगा, 1 वाले को, तो 1/8। 8 में से 7 इसको मिलेगा तो 7/8। ये रिमेनिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 1/8 है बच्चों। रिमेनिंग फ्रैक्शन या शेष भाग का आंसर 1/2 की पावर n होता था, यहाँ से n की वैल्यू 3 आ जाएगी, 2 की घात 3, 2 की पावर 3 तो 8 होता है, मतलब 3 हाफ लाइफ इसकी एज है। एक हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ था 1.4 × 10^9, तो 3 हाफ लाइफ का आ जाएगा 3 × 1.4 × 10^9, और 1.4 × 3 कितना हो जाएगा, 3×4 = 12, 4.2 × 10^9, ये इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बहुत आसान टॉपिक है, नीट या AIPMT में क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है, फॉर्मूलेस थोड़े बहुत देखोगे आंसर आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन में लाइट विद एनर्जी फ्लक्स, अब ये एनर्जी फ्लक्स क्या होता है नहीं मालूम, लेकिन इसकी यूनिट देख लो, 25 × 10^4 वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट इंटेंसिटी या तीव्रता की होती है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका एरिया दे रखा है 15 × 10^-4 मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं इसे, एवरेज फोर्स निकालना है अपने को। अब बच्चों आप ये बताइए, हम इसमें एक रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला लिख पाते थे, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जब पूर्ण परावर्तक सतह होती थी तो दाब का आंसर होता था 2i/c, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला 2i/c, इसका डेरिवेशन भी होता था बट अभी ज़रूरत नहीं है। ये दाब होता था कब, जब रिफ्लेक्शन हो, जब पूर्ण परावर्तन हो, अगर केवल अवशोषण हो रहा होता तो I/c हो जाता। बच्चों ये प्रेशर है, ये प्रेशर है, ये दाब है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया भी होता है, तो फोर्स का आंसर आ जाता 2iA/c, तो फोर्स का आंसर आ जाएगा 2i की वैल्यू है 25 × 10^4, एरिया की वैल्यू है 15 × 10^-4, सी की वैल्यू है 3 × 10^8, कितना आ गया ये, 3 से इसको कैंसिल करोगे, 3 × 5 = 15 हो गया बच्चों, 2 × 5 = 10 हो गया, है ना, 4 और -4 ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 2 × 5 = 10 और 25 = 250,
अपॉन 10 की पावर 8। बच्चों 25 में आंसर ही एक है तो सेकंड आंसर ही आएगा और 2.5 भी आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो कितना है 25 × 10 की पावर -7 है, जिसको आप 2.5 × 10 की पावर -6 भी लिख सकते हो। फॉर्मूला लगाना है और पढ़ाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रेडिएशन प्रेशर, उससे ही आंसर आ जाएगा प्रकाशीय दाब। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22 आएगा, क्वेश्चन नंबर 22 न्यूटन लॉ पे सवाल आ गया। 70 डिग्री से 60 डिग्री जाने में 5 मिनट लग रहा है, 54 डिग्री सेल्सियस तक अगले 5 मिनट में पहुंच रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? न्यूटन्स लॉ, उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता था? θ1 − θ2 / T, लिखते चलता हूँ, θ1 − θ2 / T इक्वल्स टू k टाइम्स θ1 + θ2 / 2 − θ0। ये थीटा नॉट इज सराउंडिंग या बाहर का तापमान होता था। अब ये तो पहले 70 से 60 गया 5 में, अब 60 था, अब 60 से 54 आ जाएगा, तो वापस से लगाओ θ1 − θ2 / T, टी की वैल्यू 5 है, इक्वल्स टू k टाइम्स θ1 + θ2 / 2 − θ0। बताइए इनका रेशियो, इनका अनुपात लेते, 5 से 5 कैंसिल हो जाता, ये आ जाता 10/6, 70 − 60 = 10, 60 − 54 = 6 आ जाता, k से k कैंसिल हो जाता, 70 और 60 कितना होता है बताओ, 130, 130 को 2 से डिवाइड करोगे 65 − θ0, और 60 और 54 कितना होता, 114 हो जाता, 114 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाता 57 − θ0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, 2 3 = 2 5 = 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी लग रही है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। 5 को 57 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा कितना हो गया 35, और 5 5 = 25 और 28 285, −5 θ0, 3 × 65, 3 5 = 15, 3 6 = 18 119, −3 θ0। और इसको इधर ले आओगे 5 − 3 = 2 θ0 आ जाएगा, और ये 90 आ जाएगा क्योंकि इसको इधर ले जाओगे तो 195 माइनस होएगा, तो θ0 की वैल्यू आ जाएगी 45, यानी कि सराउंडिंग का तापमान, परिवेश का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 22 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला लगाना है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी वैलिड होता है जब आधिक्य ताप एक्सिस टेम्परेचर 100 केल्विन से कम हो, वो वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है? मोनोक्रोमेटिक गैस का पी है, वॉल्यूम वी है, प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, सबसे पहले गैस का मोनोटॉमिक गैस है ना, पी और वी है, उसके बाद क्या बोला हुआ है, एक्सपेंड आइसोथर्मली, पर जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो पी और वी इनवर्स रेशियो में हो जाता है, पी वी बराबर कॉन्स्टेंट, तो पी और वी इनवर्स रेशियो में व्युत्क्रमानुपाती। अगर वॉल्यूम 2V कर दिया है तो प्रेशर को P/2 होना पड़ेगा, क्योंकि V को डबल किया है तो P को आधा होना पड़ेगा, और फिर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। अब वॉल्यूम कितना हो गया 16V, अब प्रेशर कितना हो गया वो निकालना है, तो P0 मान लेता हूँ। एडियाबेटिक प्रक्रम रुद्रोष्म प्रोसेस में पी वी की पावर गामा नियत होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बताइए पहले प्रेशर कितना था P/2, पहले वॉल्यूम कितना था 2V, उसकी पावर गामा, गामा कितना है 5/3, बाद में प्रेशर कितना है P0 वो निकालना है, बाद में वॉल्यूम कितना है 16V, उसकी पावर भी 5/3। इस 16V को नीचे ले जाते हैं P/2, और ये 2/16 की पावर 5/3, ये P0 आ जाएगा, है ना, 16V नीचे गया तो V से V कैंसिल हो गया, 2/16 कितना होगा 1/8 होगा, 8 को तुम 2 की पावर 3 लिखोगे तो P/2 तो यहाँ पे था ही, ये 2 की पावर 5 बाकी रह जाएगा। 2 की पावर 5 कैसे बाकी रह गया, इस 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 5 बाकी रह गया, 2 की पावर 5 और बाहर 2V है, तो P0 की वैल्यू आ जाएगी P/2 की पावर 6, P0 की वैल्यू आ जाएगी 2/P की पावर, मतलब P/2 की पावर 6, P/2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होगा 64 हो जाएगा, 2 की पावर 5 = 32 होता है तो P/64 आ जाएगा, है ना, 4 × 4 = 16, 4 × 64, P/64 थर्ड आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो बोला हुआ है बस उसे लिखते चले जाओ, आ जाएंगे आंसर्स।
आओ अगले प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन है अर्थ पर किया जा रहा है, वेलोसिटी 5 है, एंगल थीटा है, फिर दूसरे प्लेनेट पर किया गया, वेलोसिटी 3 है, सेम एंगल है, प्रोजेक्ट सेम ट्रेजेक्ट्री। बच्चों किसी दूसरे प्लेनेट पे अपन ने बॉल को फेंका है, सेम ट्रेजेक्ट्री है, मतलब रास्ता दोनों का सेम दिखता है मेरे को। अगर दोनों का रास्ता सेम दिखता है तो दोनों की रेंज भी सेम दिखेगी, और दोनों की रेंज सेम दिखेगी तो R1 R2 को बराबर कर दो। रेंज का फॉर्मूला होता है U² sin 2θ / g। ये तो अर्थ के लिए हो गया, दूसरे प्लेनेट के लिए U² sin 2θ, और उस प्लेनेट का g कितना होगा, g ऑफ प्लेनेट ये निकालना है अपने को। sin 2θ सेम हो गया, बताइए प्लेनेट का जी कितना आ जाएगा, 3² 9, नीचे 25, और जी इधर है 10 मान लो, तो 90/25। 90/25 मतलब 3 से कुछ बड़ी संख्या आ जाएगी, 3 से बड़ी संख्या का एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो पथ है ना, जो पाथ है वो बिल्कुल सेम है, ट्रेजेक्ट्री सेम है, मतलब जैसे हम धरती पर फेंकते हैं बॉल को, हमें जो एंगल दिखता होगा वही एंगल यहाँ पे भी दिखता होगा, जो रेंज दिखती होगी, जो हाइट दिखती होगी वो सेम होगी। आंसर आप हाइट सेम करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि सेम रास्ता दिख रहा है आपको, ट्रेजेक्ट्री सेम है, दोनों का रास्ता सेम है, तो जो जो चीज़ें सेम दिखे उन्हें सेम करो, आंसर आ जाएगा। आओ अगले सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला सवाल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन में बोला हुआ है v की वैल्यू है 6x - 8xy - 8y + 6yz। ये v की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फोर्स। बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है -ΔX - ΔV/ΔX - ΔV/ΔX i cap ΔV/ΔY j cap + ΔV/ΔZ k cap। ये E का फॉर्मूला होता है, डेल मतलब आंशिक अवकलन कर लो, x के सापेक्ष बताओ, पहले ΔV/ΔX बताओ, x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x का डिफरेंशिएशन 6 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे -8y आ जाएगा, यहाँ पे x है नहीं, 0 आ जाएगा, 0.111 दिया हुआ है, तो जब x और y को 1 रखोगे तो 6 - 8 यानी -2 आ जाएगा, x y z सबको 1-1 रखना है। अब ΔV/ΔY निकालना है, मतलब आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करना है, केवल y का अवकलन, केवल y का डिफरेंशिएशन करना है आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y मींस केवल y का डिफरेंशिएशन कीजिए, यहाँ पे y है नहीं, इसका 0 हो गया, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करोगे तो -8x आ जाएगा, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करोगे तो -8 आ जाएगा, और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 6z। एक्स वाई जेड 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे तो 8 और 8 16 हो गया, मतलब -10 आ जाएगा, x की वैल्यू भी 1 है, z की वैल्यू भी 1 है, तो 8 और 8 16, -16 और +6 - 10 आ गया। फिर ΔV/ΔZ निकालना है, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, z कहीं दिख नहीं रहा है, 0 0 0, इसमें z का डिफरेंशिएशन 6y आ गया, y की वैल्यू 1 रखोगे, x y z सब 1 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 6 के बराबर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस, तो -2i और -10j और +6k cap, -2i - 10j + 6k cap, ये आंसर है। और अपने को क्या निकालना है, फोर्स। बच्चों फोर्स होता है QE के बराबर, तो Q की वैल्यू 2 है, E की वैल्यू कितनी आएगी, इसका परिमाण निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 और 36 और 4 40, √140, तो आंसर आ जाएगा 2 root 140, ये इसका आंसर आ जाएगा 2 root 140। तो इसमें से आप इसको क्या लिख सकते थे, 4 into 35, 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 140, 4 का 2 और बाहर आ जाएगा तो 4 root 35, 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26
तो बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला हुआ है कि हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में था, वो है ना मूल अवस्था में था, ग्राउंड स्टेट में था, और इसमें अपन ने लाइट जो है वो इंसिडेंट की है, मतलब एनर्जी आई है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा, और अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया होगा तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है ना या स्पेक्ट्रम ही रेखाओं की संख्या वो अपने को बतानी है। तो बच्चों अपने को पता लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में पहुंच चुका है, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है, एन की वैल्यू कितनी है उसके लिए। तो आपन ने 975 एनर्जी वो इंसिडेंट करवा रखी है। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि ये जो फोटोन होता है ना, फोटोन के लिए ऑल और नन का फंडा चलता है। फोटोन या तो सारी एनर्जी देगा या तो कोई भी एनर्जी नहीं देगा। तो वैसे ये 975 के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी होनी कितनी चाहिए थी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों HC/λ। HC की वैल्यू होती है 12420 या 12400 भी ले लेते हैं लोग बाग, अपॉन 975। ये तुम्हें सॉल्व करना था। अब इसको डिवाइड करोगे तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा तकलीफ हो जाए कि इसको एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालें अपन। वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो ये तुम्हारे पास 12.75 के करीब आता है, ठीक है ना। तो आप इसमें करो क्या, आप इसमें अगर ये सॉल्व कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये 12.75 अगर एनर्जी का डिफरेंस आया है तो बताओ मेरे को कि E1 पे, यहाँ पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 की एनर्जी होती है -0.85, और E1 से E4 का जो डिफरेंस आता है ना बच्चों, यही 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आता है। तो ये जो एनर्जी आई है, इस एनर्जी ने किया क्या होगा, ये 12.75 की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली होगी तो ये कहां पे चला गया होगा, N=4 पे चला गया होगा। और अगर ये N=4 पे चला गया है तो स्पेक्ट्रल लाइंस की नंबर होता है N(n-1/2), ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, N की वैल्यू 4 है (4−1/2), ये कितना आ जाएगा 12/2, 6, यानी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 6 आ जाएंगे अपने पास, ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, अगर ये डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो इतनी एनर्जी आ रही है, -13.6 में 12.75 एनर्जी ऐड करोगे तो N=4 की एनर्जी मिल जाएगी आपको, समझ रहे हो ना। ये एनर्जी जो आई है, ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन था उसको मिली। तो जब इसमें आप 12.75 जोड़ोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे आप, N=4 पे पहुंच जाओगे, N=4 आ गया तो आंसर आ गया। या फिर इसको आप दूसरी तरीके से कर लेते, अगर इसको मैथ सॉल्व करने में दिक्कत होती तो आपको ऐसे करना चाहिए था कि इसको आप 1000 के लगभग मान लेते। अगर इसे 1000 मानते तो आंसर कितना आता, 12.4 के लगभग आंसर आता, लेकिन ये तो 1000 से छोटा नंबर है तो आंसर 12.4 से बड़ा आएगा। 12.4 से बड़ा एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन में 12.75 ही होता है, इसलिए N=4 आप वैसे भी निकाल सकते थे। N=4 आएगा तब आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस भी बच्चा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में भी आपको बहुत बार पढ़ाते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला हुआ है कि बैरियर पोटेंशियल, जो रोधक विभव आता है वो किस पर निर्भर करता है, बैरियर पोटेंशियल पीएन जंक्शन में किस पर डिपेंड करता है। बच्चों बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए अलग अलग होता है, 0.7, 0.3 होता है ना बैरियर पोटेंशियल, मतलब बैरियर पोटेंशियल सेमीकंडक्टर के मटेरियल पे तो डिपेंड करता है, सिलिकॉन के लिए अलग, जर्मेनियम के लिए अलग, डोपिंग पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर तो हर चीज डिपेंड करती है, और डोपिंग कम ज्यादा होगी तब भी बैरियर पोटेंशियल कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा A, B और C, 4th इसका आंसर आ जाएगा। याद करना है, थियोरिटिकल क्वेश्चन है, लिखवाते हैं आपको सेमीकंडक्टर्स में हम लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, वेव थ्योरी का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। N1, N2, N3 आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स इनटू व्हिच अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड। बच्चों एक रस्सी है और ये रस्सी को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, L1, L2 और L3। तो एक रस्सी को 3 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूलभूत आवृत्ति इनकी दे रखी है आपको N1, N2, N3, ये फिक्स है। बच्चों बताइए ये 2 पॉइंट फिक्स हैं, अगर मैं डेरिवेशन करूं, है ना, डेरिवेशन करूं तो ये लेंथ λ/2 हो जाएगी। λ/2 की वैल्यू अगर L1 आ जाएगी, λ/2 की वैल्यू अगर L1 आ जाएगी तो लैम्डा की जगह कितना आ जाएगा, 2L1। तो केवल इस पहले वाले पार्ट के लिए मैं लगाता वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो वेलोसिटी तो वेलोसिटी रहती, इसकी आवृत्ति कितनी आती वो N1 दे रखी है, और इसका लैम्डा की जगह क्या लिखना चाहिए था आपको, 2L1। समझ रहे हो क्या, यानी कि
जो N1 आ जाता वो V/2L1 आता। शायद आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली पता हो, जब दो एंड्स से रस्सी बंधी हुई होती है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूलभूत आवृत्ति V/2L हो जाती है। दोनों एंड से जब क्लोज ऑर्गन पाइप मान सकते हो या रस्सी बंधी हुई है, तो ये डेरिवेशन भी किया बट इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए बच्चों कि N1 की वैल्यू कितनी आई है, V/2L1, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे N2 निकालोगे, N2 की वैल्यू आ जाएगी V/2L2 और N3 की वैल्यू आ जाएगी V/2L3। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों, ये टोटल लेंथ, टोटल लंबाई L दे रखी है, तो टोटल लेंथ कुल लंबाई को अगर आप L मानते हो तो मैं लिख लेता हूँ L=L1+L2+L3। और L की जगह आप क्या लिख सकते हो, L की जगह आप किसी भी फॉर्मूले से देख लीजिए, L की जगह आप लिख सकते हो V/2N1। जैसे L1 की जगह क्या लिखते हैं, V/2N1, तो यहां पे क्या लिख दिया, V/2N1। ऐसे ही L2 की जगह क्या लिखते हैं, V/2N2 और इसकी जगह V/2N3। पूरी रस्सी की फंडामेंटल, पूरी रस्सी की लेंथ L है, पूरी रस्सी के लिए भी आप अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N मानते तो N की वैल्यू V/2L आती, तो L की जगह V/2N लिखना पड़ता। बच्चों सारे V/2 कैंसिल हो जाएंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 1/N=1/N1, 1/N2, 1/N3। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 28th क्वेश्चन का, ठीक है। याद करना है, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। तो वेव थ्योरी में हम बताते हैं, जब दोनों एंड्स से बंधी हुई है रस्सी, है ना, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको मानना पड़ेगा कि ये लेंथ λ/2 आएगी V/2L, उस तरीके से आप इसे सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बच्चों कि डायमेंशन ऑफ मास, हमें द्रव्यमान की इकाई निकालनी है, मतलब डायमेंशन निकालनी है, विमा निकालनी है। FVT फोर्स दिया हुआ है बच्चों, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम t तो t ही है, ये आ जाएगा। तो बताओ इससे मास कैसे बनाएं, केवल m चाहिए ना अपने को, बताओ F/V क्या बाकी रह गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लेता तो L से L कैंसिल हो जाता और MT-1 बाकी रह जाता। देखिए L से L कैंसिल हो जाता, T-1 और ऊपर T-2 था तो ऊपर T-1 बाकी रह जाता। इसमें अगर T को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ T को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये मास की डायमेंशन बन गई, क्या ये द्रव्यमान की विमा बन गई, यही आंसर है। F V की पावर माइनस वन इंटू टी। तुम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो या दिमाग लगा के m बनाने की कोशिश कर लो, किसी भी तरीके से बच्चे लोग देख लीजिए आप, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस के लिए मेरा एक सजेशन है, आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद कर लीजिए। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हर बार नीट में आते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल आएगा, केवल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अगर फॉर्मूला आता है तो आंसर आ जाएगा। जैसे कि इस सवाल में हम देखते हैं, क्वेश्चन ने बोला है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की FO मानते थे अपन ऑप्टिक्स में, इसको बढ़ाने पर मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की। अच्छा, तो अब मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की, इसका फॉर्मूला बताइए। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता था L/FO और D/FE, क्योंकि हमें मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की देखनी है, तो फॉर्मूला ऐसे ही, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप, इसका फॉर्मूला होता था बच्चों F0/FE, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, अब आंसर आ गया, बताइए मेरे को, अगर F0 बढ़ाओगे तो मैग्नीफाइंग पावर माइक्रोस्कोप की तो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन F0 बढ़ाओगे तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की बढ़ जाएगी, तो माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बढ़ रही है, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन, अच्छा दोनों की इंक्रीज, दोनों ही गलत, तो चौथा ही आंसर आ गया बच्चों, ये माइक्रोस्कोप की डिक्रीज होगी, टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी,
फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाइए आंसर आ जाएगा। ऑप्टिक्स से डरना नहीं है, फॉर्मूले याद करके जाओ। अगर वहाँ पे ऑप्टिक्स के तीन सवाल आते हैं तो दो सवाल तो फॉर्मूले बेस्ड हो जाएंगे, एक सवाल में हो सकता है दिमाग लग जाए। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और हमें इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों पोटेंशियोमीटर आप देख लेना, हमने डिटेल में आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। और पोटेंशियोमीटर में मैं एक ही फॉर्मूला याद करवाता हूँ, यही इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, बाकी सब तो अपन लॉजिक से कर लेते हैं। कैसे होंगे पोटेंशियोमीटर के सवाल? पोटेंशियोमीटर के सवाल होते हैं ES इक्वल टू XL से, सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ, इससे सारे सवाल होंगे। इसी से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नीट ने कई बार पूछा हुआ है, देखिए जैसे आपको दिख भी रहा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते थे हम, एल ओपन अपॉन एल क्लोज माइनस वन इंटू आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का आंसर होता है कब? जब आपको पोटेंशियोमीटर दिया हो। अब इसमें R मतलब LO का मतलब क्या होता है? LO का मतलब ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब जब करंट सर्किट में से जीरो हो। ओपन सर्किट में करंट जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो जब सर्किट में करंट जीरो होता है वो वाली लेंथ लिखनी है। L क्लोज मतलब सर्किट क्लोज होगा तो करंट जीरो नहीं होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा तो सर्किट में कोई रेजिस्टेंस भी होगा ना। ये R रेजिस्टेंस लगाने पे जो बैलेंसिंग लेंथ आती है वो यहां पे लिखते हैं। अब मैंने ये फॉर्मूला भी समझा दिया है आपको। अब देखो अपने को क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जब हमने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जोड़ा, बच्चों जब इनफाइनाइट या अनंत रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो आ जाएगा तो इस समय जो लेंथ आएगी फर्स्ट केस में वही LO का काम करेगी। वो फर्स्ट लेंथ आपको 3 मीटर दे रखी है तो ऊपर आ गया 3 मीटर। जब आप 9.5 ओम रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो अब रेजिस्टेंस कितना जोड़ा? 9.5 तो बाहर लिख लिया, 9.5 के समय बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है? 2.85। आर के समय जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो LC हो जाएगी, वो आ जाएगी 2.85 माइनस 1। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेरिवेशन भी कर सकते हो बट जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले में वैल्यूज और समझ लो भाई। LO, L ओपन का मतलब क्या है कि जब करंट फ्लो नहीं होगा तब जो भी लेंथ आ रही है, और R रेजिस्टेंस लगाने पे कुछ करंट फ्लो होगा उस समय सर्किट क्लोज रहेगा, उस समय जो भी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है। बट इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ऊपर 3 माइनस 2.85 मतलब 0.15 इंटू 9.5 अपॉन 2.85, ये बाकी रह जाएगा और इससे आप आंसर निकाल लेना 0.5 ओम, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट हाँ पोटेंशियोमीटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नीट के लिए ज़रूर करके जाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला हुआ है? कॉपर फिक्स्ड वॉल्यूम वी इज ड्रॉन लेंथ एल, कॉन्स्टेंट फोर्स एफ लगाया हुआ है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अच्छा बच्चों ये बताओ आप मेरे को, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था, एक्सक्यूज मी, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था अपने पास। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल, ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था। इसको सॉल्व कर लो, आपने को कॉन्स्टेंट बनाना है तो वाई की वैल्यू मैं लिख देता हूँ एफ अपॉन ए और डेल्टा एल, ऊपर एल आ गया। बच्चों इसको एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड कर दो तो वाई का फॉर्मूला बन गया एफ एल स्क्वायर अपॉन वी डेल्टा एल, एफ एल स्क्वायर। देखिए एल इंटू एल क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया। अब बताओ मेरे को डेल्टा एल का फॉर्मूला यहां से कितना आ रहा है? डेल्टा एल का फॉर्मूला आ जाएगा एफ अपॉन वाई वी एल स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन ने फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, कॉपर वायर है तो यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है, पदार्थ पे निर्भर करता है, तो यंग मॉडुलस भी कांस्टेंट हो गया, कॉपर है तो वाई सेम हो गया और वॉल्यूम भी सेम दे रखा है तो ये सब कांस्टेंट हो गया। तो आप लिख सकते थे डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगा वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा डेल्टा एल और एल स्क्वायर में, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है तो आसानी से सॉल्व कर लेना, कुछ ऐसे मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे आंसर आ जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कांस्टेंट बना लेना तभी आंसर्स ठीक से निकाल पाओगे। अगले सवाल में अपन बढ़ते हैं बच्चों, बताइए क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 मेरे को दिख रहा है एमईसी का क्वेश्चन है। एमईसी भी आसान टॉपिक है, नीट में हर बार क्वेश्चन आता है और आसान सवाल है। क्वेश्चन ने बोला है टू आइडेंटिकल वायर्स ए ओ बी सी ओ डी आर परपेंडिकुलर। तो एक वायर है बच्चों ए ओ बी, ओ इसका सेंटर है ए ओ बी, और सी ओ डी एक और वायर है सी ओ डी परपेंडिकुलर, ये दोनों रखे हुए हैं सी ओ डी, ये वायर्स परपेंडिकुलर रखे हुए हैं और इनमें करंट जा रहा है बच्चों, एक में I1 एक में I2 करंट मान सकते थे आप, और पॉइंट P इज लाइंग D परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब बच्चों क्या है कि एक पॉइंट है जो इस O से परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ है और D डिस्टेंस पे, तो बाहर की तरफ मतलब Z डायरेक्शन को हम ऐसे बना देते हैं डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे बना नहीं पा रहा मैं, ये पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस D है, इस पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट वायर के कारण, अगर किसी एक तार को तुम जैसे इस ए ओ बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी वन बोलो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी टू बोलो, कम से कम मैग्नीट्यूड तो आपको याद होना चाहिए इनफाइनाइट वायर के कारण, म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, और दूसरे के कारण भी कितना आएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक वायर है, मान लीजिए दो वायर मैं बनाऊँ, एक वायर ये रहा एक वायर ये रहा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, सामने से देखोगे तो आपको परपेंडिकुलर दिखेंगे, ऐसे हैं ये वायर और इसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है, तो इस वायर के भी ऊपर पॉइंट है डी डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट वायर से डी डिस्टेंस पे, और ये जो वायर है इस वायर से भी ऊपर डी डिस्टेंस पे पॉइंट है, तो इससे भी इनफाइनाइट डिस्टेंस का जो पॉइंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन दोनों मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसलिए इसकी डायरेक्शंस देखिए आप, डायरेक्शन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, अगर बोर्ड के हिसाब से मैं निकालूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे अपन, आपको याद है करंट कैरिंग वायर, धारावाही तार, करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन में थंब को रखना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फिंगर्स को रखना पड़ेगा, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को, अगर मैं इसी के कारण निकालूं, डी पॉइंट यहां पे बाहर की तरफ है मान लीजिए, है ना, तो ये करंट आगे जा रहा था तो थंब आगे चला गया, फिंगर बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, नीचे की तरफ, मतलब माइनस जे डायरेक्शन में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ गया माइनस जे डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कैसे आया, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाहर की तरफ फिंगर, पाम के परपेंडिकुलर, मतलब नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस वायर के कारण करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर जाएगा, फिंगर अगेन बाहर आ जाएंगी और मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज आई कैप, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आई कैप में। बच्चों क्या आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, बच्चों रिजल्टेंट निकालने के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंतर आ जाएगा, और क्या ये दोनों सेम है, तो परपेंडिकुलर में जब चीजें सेम होती हैं तो क्या आंसर एफ रूट टू आ जाता है, एफ और एफ 90 डिग्री पे, एफ रूट टू, ये दोनों सेम ही तो है और 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर कैसे हैं, वो डायरेक्शन से पता लगाया है ना। तो अगर ये सेम होते, यहाँ पे I1 I2 है, इसकी जगह अगर I और I होता तो रूट टू आ जाता आंसर, अभी दोनों अलग अलग है तो आंसर कितना आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर निकाल लो, देखो म्यू नॉट टू पाई डी, म्यू नॉट टू पाई डी कॉन्स्टेंट आ जाएगा, म्यू नॉट टू पाई डी, और अंदर आ जाएगा रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा अपने पास फोर्थ। समझ में आ रहा है कैसे निकाला हुआ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपन ने जो इनफाइनाइट वायर है ना उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई डी, दूसरे के कारण भी म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई डी, और दोनों परपेंडिकुलर है, एक आई में है, एक आई कैप में है, एक माइनस जे कैप में है, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे अपन, आई के नंबर का स्क्वायर प्लस जे के नंबर का स्क्वायर, उसका रूट, तो कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया और रूट निकाल लिया, अब म्यू नॉट बाई टू पाई डी कॉन्स्टेंट था इसलिए वो बाहर आ गया, इसीलिए आंसर आ रहा है अपने पास। आसान सवाल है, कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं अपन, कैपेसिटर का सवाल दिखा है, तो कैपेसिटर का बढ़िया सवाल है ये, आपको हम पढ़ाते भी हैं ये जब क्लास में, तो इसमें बच्चों एक ही ज्ञान की बात है, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वैक्यूम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के कारण होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम आ जाएगा जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, मतलब वैक्यूम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के हो जाएगा, इतना बस आपको समझ में आना चाहिए, अगर इतना आपको याद है समझ में आता है तो देखो आंसर कैसे बनाते हैं अपन। बताओ मेरे को कि यहाँ पे वैक्यूम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लो,
यहाँ पे मीडियम है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के वन आ जाएगा, यहाँ फिर वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के टू आ जाएगा, और यहाँ वैक्यूम है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा। बताओ किस तरीके का ग्राफ बनाएंगे, इसका अपन आंसर फिर मैच कर लेंगे। तो सबसे पहले ई आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के वन आ गया, तो ई बाय के वन आ गया मतलब थोड़ा नीचे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया अपन। उसके बाद फिर से ई आया तो वापस से सेम लेवल पे ग्राफ आ जाएगा। फिर ई बाय के टू मतलब ई से तो छोटा ही आएगा, लेकिन बच्चों के वन के टू में क्या है, के वन बड़ा था मतलब के वन छोटा था, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, के टू इज ग्रेटर देन के वन, के टू बड़ा नंबर है। अब के टू से डिवाइड करोगे तो आंसर ई बाय के वन से भी तो नीचे चला जाएगा, इसलिए ये नीचे आएगा, लेकिन बच्चों ये ई बाय के टू है और ये ई बाय के वन है। के टू बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो और नीचे आ जाएगा, और फिर वापस ई आ जाएगा तो वापस ई आ जाएगा। ऐसा ग्राफ आपको कोई दिख रहा हो वही आंसर आ जाएगा, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। याद करना है मीडियम आने पर प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वो के से डिक्रीज हो जाता है, वन बाय के टाइम्स हो जाता है, के का नंबर जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नीचे आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आ जाते हैं अपन। बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 में बोला हुआ है नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड। बच्चों एक पाइप है जो दोनों एंड पे क्लोज है, मतलब क्लोज एट वन एंड, दोनों एंड पे क्लोज तो कोई पाइप होती नहीं है, समझ रहे हो क्या, क्लोज पाइप बोले तो एक ही एंड पे क्लोज मानना है, दोनों पे क्लोज हो जाएगी तो वो कुछ हवा ववा आवाज कोई अंदर ट्रेवल ही नहीं करेगी, तो क्लोज है एक एंड पे, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेशन कर दूं क्या, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये लैम्डा बाय फोर भी होती है, तो लैम्डा की वैल्यू फोर एल आ जाएगी, वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वी बाय फोर एल आ जाएगी, जो डायरेक्टली याद करनी है अपने को। अगर दोनों एंड ओपन होते तो वी बाय टू एल, जैसे अभी कुछ देर पहले सवाल भी आया था, और एक एंड क्लोज है तो वी बाय फोर एल। वी की वैल्यू बेटा जी आपको कितनी दे रखी है, 340, फोर लेंथ की वैल्यू 0.85 सेंटीमीटर है ना, तो 0.85 आ जाएगा ये, और 340 तो वैसा ही रहेगा। और ये बताओ मेरे को यहाँ पे कि 85 इंटू 4 करोगे तो 4 5 जा कितना आ गया, 20 आ गया, 4 एट जा कितना हो गया, 32 और 340 और पॉइंट यानी 3.4, तो ये तो 100 आ गया, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, 100 आ गई। बच्चों अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें याद करनी है, अगर मैं बोलूं एक तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए, डेरिवेशन मत करो, अपने पास तो टाइम है लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं होगा आपके पास, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक एंड क्लोज है तो वी बाई टूएल याद कर लेना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूलभूत आवृत्ति। बच्चों जो क्लोज एक एंड पे क्लोज जो भी ट्यूब होती है ना उसमें फ्रीक्वेंसीज का रेशियो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यही फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहती है, इवन फ्रीक्वेंसीज गायब रहती हैं। तो यहाँ पे 1 से कौन सी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, 100, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी, दूसरी कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, 300, फिर 500, 700, 900, 1100। अपने को बतानी है कितनी फ्रीक्वेंसीज 1250 हर्ट्ज के नीचे नीचे आ जाएंगी। अब अगली फ्रीक्वेंसी तो 1300 मिलती जो 1250 से ज़्यादा मिल जाती, बताइए 1250 के अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी आ गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः फ्रीक्वेंसीज 1250 से कम में मिलेंगी, इसलिए 6 इसका आंसर आ जाएगा। आपको याद करने अगर ओपन एंड्स होते ना दोनों तरफ ओपन एंड्स होते तो सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहती है, सारी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहने का मतलब फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बांसुरी होती है, फ्लूट होती है, दोनों एंड्स खुले हुए रहते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है इसलिए सारे सुर लगेंगे उसमें, है ना, यहाँ पे सारे सुर लग नहीं सकते, कुछ फ्रीक्वेंसीज गायब है यहाँ पे। खैर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लो जो पॉइंट्स बोले। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 प्यारे थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, वर्क निकालना है। बच्चों जब भी वर्क निकालना हो तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या ग्राफ पी और वी का है, अगर पी और वी का ग्राफ है तो एरिया वो वर्क दे देगा, साइन आपको लगाना पड़ेगा। अब पी और वी इस तरीके से है
तो क्लॉकवाइज में वर्क पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में वर्क नेगेटिव आएगा, अगर पी वाई एक्सिस पर है और वी एक्स एक्सिस पर है। अगर पी और वी को चेंज कर दोगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएंगे। बताओ मेरे को यहाँ पे बच्चों एरोज आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये एरो ऐसे लगाए हुए हैं, देखिए ये ऐसे इस तरीके से एरो है, ये एरो जो है इस तरीके से लगाया हुआ है। तो ये बताओ मेरे को, ये जो ऊपर वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल, केवल ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर मैं बना लूँ तो इस तरीके से दिख रहा है ये ट्रायंगल ऊपर वाला। तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका एरिया नेगेटिव में आएगा, और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बच्चों ये बेस कितना आ जाएगा, ये बेस कितना आ जाएगा वी नॉट से टू वी नॉट मतलब वी नॉट, और ये हाइट कितनी आ जाएगी थ्री पी नॉट से टू पी नॉट मतलब पी नॉट। ऐसे नीचे वाला ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो नीचे वाला ट्रायंगल बच्चों क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका एरिया प्लस में आएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस में आएगा। हाफ बेस वही है, बेस वी नॉट से टू वी नॉट मतलब वी नॉट है, और हाइट भी पी नॉट से टू पी नॉट पी नॉट है। बच्चों एक ट्रायंगल का एरिया है प्लस हाफ पी नॉट वी नॉट, दूसरे ट्रायंगल का एरिया है माइनस हाफ पी नॉट वी नॉट, दोनों को ऐड करोगे कैंसिल हो जाएंगे, वर्क का आंसर जीरो आ जाएगा इसमें, समझ रहे हो? एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन, ओवरऑल वर्क डन जीरो आ जाएगा, ऐड करना पड़ेगा हमें। बहुत आसान सवाल था। अगले प्रश्न में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की 90% दे रखी है, 0.9 भी मान सकते हो इसे, और वर्किंग ऑन सप्लाई, सप्लाई बच्चों प्राइमरी सर्किट में होती है, तो मतलब आपको ये प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है, वोल्टेज प्राइमरी का 200 वोल्ट दिया हुआ है, और पावर प्राइमरी सर्किट में दे रखी है 3 किलो मतलब 30,000 वॉट। इफ करंट इन सेकेंडरी, अब करंट सेकेंडरी में दिया हुआ है 6 एम्पियर, वोल्टेज सेकेंडरी में पूछा हुआ है, और करंट भी, वोल्टेज इफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, तो करंट सेकेंडरी में 6 एम्पियर है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, हाँ वोल्टेज पूछा हुआ है, एंड करंट इन प्राइमरी, अच्छा करंट प्राइमरी में पूछा हुआ है, करंट किस में पूछा हुआ है, प्राइमरी में। तो ये दो चीजें निकालनी है अपने को, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और ये दो चीजें अपने को निकालनी है। आओ बताओ किस तरीके से सॉल्व करें इसे अपन। तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो लगा देंगे, ये करंट तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है, ये बताओ मेरे को पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई होता है, पावर प्राइमरी की तो वी भी प्राइमरी का आई भी प्राइमरी का, पावर प्राइमरी की कितनी है 3000, वी प्राइमरी का कितना है 200, तो आई भी प्राइमरी का, सब प्राइमरी के लिए लगा दो और क्या है, आ गया आंसर, 20 से 20 हटाए, आई प्राइमरी का 15 एम्पियर, प्राइमरी का करंट 15 एम्पियर आएगा, सेकंड ऑप्शन 15 एम्पियर, अच्छा तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो ये तो अपने पास क्या आ गया, प्राइमरी का करंट 15 एम्पियर आ गया, आ जाएगा ना 15 एम्पियर, और क्या निकालना है आपको, वोल्टेज सेकेंडरी का निकालना है। बच्चों ये बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा पावर आउटपुट, पावर सेकेंडरी की और पावर प्राइमरी की, पावर प्राइमरी की कितनी थी 3000, समझ रहे हो क्या? तो ये मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा दिया, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट मतलब सेकेंडरी की पावर अपॉन प्राइमरी की पावर, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी की वैल्यू 0.9, सेकेंडरी की पावर पता नहीं है, प्राइमरी की पावर 3000 है, इसको इधर ले जाओगे डेसिमल से ये जीरो हटा, सेकेंडरी की पावर आ गई 2700, और पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई होता था तो वोल्टेज सेकेंडरी की इंटू करंट सेकेंडरी का इक्वल टू 2700, आ गया वोल्टेज सेकेंडरी का 2700 बाय 6, 6 4 जा 24, 30 बाकी रह गया, 6 5 जा 30, 450, तो 450 और 15, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। केवल फॉर्मूलेज लगाओ अपने आप आ जाएंगे, कुछ ऐसी खास बात नहीं है, फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हीट, प्यारी हीट का सवाल है, क्या है क्वेश्चन, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है, इसको 20 ग्राम वाटर में मिलाना है, और फाइनली 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ जाता है, 20 डिग्री ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है, फाइनली टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा बताओ मेरे को, ये आपने पढ़ा होगा हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, हीट
लॉस्ट इक्वस टू हीट गेन। इसी से करते हैं अपन कैलोरीमेट्री के सवाल, जो हीट लॉस होगी। लास्ट में हर कोई 80 पे आ गया। अब ये तो समझ में आता है ना, जिसका टेम्परेचर गिरता होगा उसने हीट लॉस की होगी और जिसका टेम्परेचर बढ़ता होगा उसने हीट गेन की होगी। बताइए मेरे को, ये जो पानी है, पानी 10 पे था, अब वो 10 का पानी 80 के पानी पे चला गया, तो पानी गर्म हो गया कि नहीं हो गया? पहले पानी 10 पे था, अब वो पानी 80 पे चला गया, तो वो पानी गर्म हो गया। पानी गर्म हो गया तो उसे हीट की ज़रूरत हुई होगी, उसने हीट गेन की होगी। तो हीट गेन कौन करेगा? वाटर। ज़रूरत नहीं है इसकी, बट मैं बता रहा हूँ कि हीट गेन कौन कर रहा है, वाटर करेगा। बच्चों स्टीम 100 पर है और अब वो 80 पर आ गई, तो स्टीम ठंडी हो गई कि नहीं होगी? 100 से 80 पे आने पे स्टीम ठंडी होगी, जो ठंडी होगी उससे हीट लॉस करेगी। हीट लॉस कौन करेगा? स्टीम। स्टीम हीट लॉस करेगा और वाटर हीट गेन करेगा। अब बताओ स्टीम मतलब सबको 80 तक लाना है। बच्चों स्टीम जो है, स्टीम अगर आपको कुछ डाउट हो तो स्टीम थी 100 डिग्री सेल्सियस पर, और रफ में लिख लेना क्योंकि 4 नंबर का सवाल आएगा तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, 0 से 100 डिग्री के बीच में पानी रहता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में इसको कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो क्या? स्टीम 100 पे थी, लास्ट में 80 पे आ गई, बताओ क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है? टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट यानी एम सी डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या फेज भी चेंज हुआ है स्टीम से वाटर? फेज भी चेंज हुआ है, फेज भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट दोनों फॉर्मूले लगा देना आप। सबसे पहले होगा क्या? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये होगा बच्चों कि जो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की, ये बदलेगी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहले स्टीम वाटर में बदलेगी, तो कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? m इंटू एल, एम और लेटेंट हीट स्टीम की 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो m इंटू एल फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। फेज चेंज हो गया। फिर ये जो 100 का पानी है ये 80 के पानी में जब जाएगा तो केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो m c डेल्टा थीटा, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा थीटा 100 माइनस 80 यानी 20 आ गया। तो स्टीम जब 80 तक आएगी तो टोटल हीट कितनी लॉस करेगी? 540m प्लस 20m, 540m प्लस 20m, इतनी हीट लॉस की। अब 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी था, 10 डिग्री सेल्सियस पे, और वो पहुंच गया 80 डिग्री सेल्सियस पानी में। बच्चों पानी तो पानी रहा, केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो एक ही फॉर्मूला लगाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में गलती नहीं हो। देखो यहाँ पे लोग बाग ना कोई एक फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो हर बार इनिशियल और फाइनल स्टेट और टेम्परेचर लिख दिया करो। देखो स्टेट भी चेंज हुई, टेम्परेचर भी चेंज हुआ, दो चेंज हुए तो दो फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ चेंज हुई, फेज तो सेम रहा, केवल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो एम सी डेल्टा थीटा, एम की वैल्यू वाटर का मास कितना है? 20। एम सी डेल्टा थीटा बच्चों 70 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 80, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू 80 माइनस 10। बस ये आंसर ये कितना है? 560m इक्वस टू 1400। एम की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी? देखो 60 का डबल 2.5 आ जाएगी ये वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। तो ये अगर 2.5 आ गई तो बताओ क्वेश्चन ने क्या पूछा था? मास ऑफ वाटर प्रेजेंट। बच्चों वाटर कितना प्रेजेंट है? 20 ग्राम तो वाटर पहले ही था। ये m क्या आया है? ये m तुमने स्टीम का मास माना था, स्टीम का मास m माना था, लेकिन लास्ट में हर चीज 80 डिग्री सेल्सियस पर है। 80 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी रहेगा ना, तो वो जो 2.5 ग्राम स्टीम निकाली है अपन ने, वो भी लास्ट में वाटर में ही बदल चुका होगा, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस पर केवल वाटर ही रहता है। ये 20 डिग्री पानी भी पानी में ही रहेगा, और जो स्टीम है वो भी पानी में बदल जाएगी, तो टोटल पानी कितना रह जाएगा? 20 प्लस 2.5 साढ़े बाईस ग्राम पानी वो रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है, कैलोरीमेट्री के सवाल आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये आपको दिए हुए बार मैग्नेट, आपको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट किसका होगा। बच्चों पहले तो ये बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये वेक्टर्स मैं शो कर देता हूँ साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर ए को बनाऊँ मैं तो ए वैक्टर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ एक वैक्टर, साउथ से नॉर्थ की तरफ एक वैक्टर। दूसरा अगर मैं बी को बनाऊं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एक, साउथ से नॉर्थ की तरफ एक, ये तो जीरो ही आ जाएगा, एक आगे एक पीछे, मतलब बी का तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ही है।
सी को अगर मैं बनाऊं सी, है ना, तो सी को मैं इधर बना लेता हूँ, बताओ सी के बीच में एंगल कितना आएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। और डी में भी अगर आप देखोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अपने को बताना है कि किस में मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है, इधर एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, वेक्टर अपन ने पढ़ रखा है। ये बताओ बच्चों मेरे को, जब एफ और एफ सेम डायरेक्शन में होते हैं तो 2F आंसर मिलता है, और जब F और F अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आंसर कितना मिलता है, 0 मिलता है। यहां से याद करना, यहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री, और यहां पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। वेक्टर्स में याद कर लेना, वेक्टर्स के बीच का एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनका रिजल्टेंट डिक्रीज होगा 180 डिग्री तक, और फिर 180 डिग्री के बाद वापस से तुम इसे नीचे घुमाते घुमाते उधर ले जाओगे तो वापस से इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो, जैसे ये दो हाथ मेरे F और F, तो 2F है, अब मैं इसको घुमाने लग गया तो F और F अभी 2F था, अब मैं इसे घुमाने लग गया तो रिजल्टेंट कम होने लग गया, होने लग गया, होने लग गया, होने लग गया, और इधर लाया तो रिजल्टेंट मिनिमम हो गया, 180 डिग्री पे मिनिमम रिजल्टेंट आता है। फिर 180 डिग्री से वापस इसे घुमाऊंगा ना मैं नीचे, तो फिर ऐड होते होते फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिसका एंगल जितना छोटा रहेगा रिजल्टेंट उतना ज़्यादा रहेगा। सबसे छोटा एंगल 0 होता है, 0 पे मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है। वेक्टर के बीच का मैक्सिमम एंगल 180 होता है, जब एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। अभी अपने को मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछा है, मैक्सिमम हाईएस्ट, तो एंगल छोटे से छोटा कितना होगा बता दो मेरे को। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये तो 0 है ही, छोड़ो इसे, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल ये 30 डिग्री दिख रहा है, सी का मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट हो जाएगा। तुम वेक्टर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, उसमें वैल्यू 90 60 30 रख के देख सकते हो। मत रखो यार, अगर 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है, जितना छोटा एंगल होगा वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट उतना ज़्यादा आएगा। सबसे छोटा एंगल 30 डिग्री है यहाँ पे, इसलिए उसी का रिजल्टेंट मैक्सिमम आ जाएगा। आओ इस ज्ञान की बात के बाद आगे चलते हैं अपन, अब कुछ डाउट नहीं रहेगा अगर वेक्टर क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 40 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। कंडक्टिंग स्फीयर, बच्चों कंडक्टिंग चालक गोला, कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, इसका चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। अच्छा, अब ये क्यू है, ये आर है, ये कंडक्टिंग दिया हुआ है, याद करना है कंडक्टिंग के इनसाइड कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, और रहता कितना है, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल। और फील्ड, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है, बस यही आंसर है, और क्या है, के क्यू बाय आर और 0, सेकंड आंसर आ जाएगा। के को 1/4πε0 लिख सकते हो, के को क्या लिख दिया, 1/4πε0 क्यू आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर 0 रहता है, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, याद कर लेना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन में बोला हुआ है बॉडी ऑफ मास 4m एक बॉडी का मास था बच्चों, 4m बॉडी का मास था जो xy प्लेन में था, और सडनली ये 3 पार्ट्स में एक्सप्लोड हुआ, 2 पीसेज ईच ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर विद वेलोसिटी v। बच्चों ये बताइए कि एक m वो जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, दूसरा m वो भी जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, ठीक है। इसके एंगल वेंगल का भी हम बताते थे आपको रिजल्ट, बताओ मेरे को, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताइए आप मेरे को कि ये दो पार्टिकल्स अगर परपेंडिकुलर गए हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, बताइए इसका मोमेंटम कितना होगा, पी वन की वैल्यू एम वी आएगी, इसका मोमेंटम कितना होगा, एम वी आएगी। तो बताइए रिजल्टेंट इनका एम वी रूट टू, ये मोमेंटम आएगा। बच्चों तीसरा जो मास होगा वो 2m का होगा क्योंकि टोटल मास 4m था, m और m 2m, तो ये भी 2m तभी तो 4m आएगा, इसको जाना पड़ेगा इधर v नॉट वेलोसिटी से। और फाइनल मोमेंटम 0 कब होगा, जब इन दोनों का मोमेंटम आया है इधर, तो तीसरा पार्टिकल इधर चला जाए ताकि दोनों एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर दे, डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गई, मैग्नीट्यूड सेम कर दो, ऊपर कितना है मोमेंटम एम वी रूट टू, नीचे मोमेंटम कितना है 2m v नॉट, m से m कैंसिल, v नॉट की वैल्यू आ रही है v बाय रूट टू,
समझ रहे हो, ये टू नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, वी नॉट बाय रूट टू। हमसे टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछी है बच्चों, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये एम वी से जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये एम बी वी से जा रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर, और तीसरा मास हाफ, और इसका मास कितना है 2m into v0 का स्क्वायर। बताओ ये v0 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, v स्क्वायर बाय 2, हाफ एम वी स्क्वायर, सबका हाफ एम वी स्क्वायर जोड़ दो, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो एम वी स्क्वायर ही हो गया, प्लस ये कितना है एम वी स्क्वायर बाय 2, एम वी स्क्वायर बाय 2, तो एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 2, ये तो कितना हो गया, एक प्लस आधा डेढ़ हो गया, 3 बाय 2 एम वी स्क्वायर, 3 बाय 2 एम वी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 3 बाय 2 एम वी स्क्वायर, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर है। याद करना है आपको, जब भी कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आए इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम कर दो, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जब एक मास तीन पार्ट में टूट रहा है तो इन दोनों का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तीसरे के बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लास में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे कराते हैं, काफ़ी बार नीट में आ चुके हैं ये सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। बताओ 42 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, एफ और टी का ग्राफ दिया हुआ है। बच्चों एफ और टी का ग्राफ दिया हुआ है, बताइए हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते थे डीपी बाई डीटी, तो डीपी की वैल्यू कितनी आ जाती थी, एफ डीटी, और इंटीग्रेशन करोगे अगर तो बच्चों डीपी का इंटीग्रेशन आ जाएगा डेल्टा पी, इंटीग्रेशन एफ डी टी को एरिया बोल सकते हो। चेंज इन मोमेंटम एफ और टी ग्राफ के एरिया के बराबर होगा, एरिया बता दो इसका, ये इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट यानी 6, बेस इसका 2 है, हाइट 6 थी, इसका एरिया ये नीचे है तो माइनस, और लेंथ इंटू ब्रेथ लंबाई गुणा चौड़ाई नीचे है माइनस 3 इंटू 2, ठीक है ना, एक ही जगह माइनस लगाना, तो ये नीचे कितनी है माइनस 3 और आगे कितना है 2, यानी ये आ गया माइनस 6, और ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, ये ऊपर कितना है 3 और आगे कितना है 4 से लेके 8 तक 4, तो बताओ एरिया कितना आ गया, ये 6 और माइनस 6 तो कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, एरिया 12 आ गया, एरिया 12 आ गया तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जब बच्चे करके आए थे ना तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये लाइन इन्होंने 3 के थोड़ा सा नीचे दे रखी थी, बट वो कितनी नीचे है कोई कह नहीं सकता था, इसलिए इसको 3 के बराबर ही मानते हुए सॉल्व करना, आप वही आंसर सही दिया था। चलिए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अच्छा ये वेव थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। स्पीडिंग मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल बना ली जिसे आप भगा रहे हो, आगे ट्रैफिक सिग्नल था तो ये चलने लग गया 36 किलोमीटर पर आवर से, 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो 10 मीटर पर सेकंड से, ये आगे जा रहा है। ही फाइंड दैट ट्रैफिक हैज़ ईज्ड अ कार मूविंग टूवर्ड्स, अब एक कार इसकी तरफ आ रही है भैया, कार इसकी तरफ आ रही है 18 किलोमीटर पर आवर से, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1392 इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1392, ये हॉन्क कर रहा है, हॉन्क कर रहा मतलब बहुत देर तक बजाते रहना, हॉर्न बजाते रहना है ना, तो हॉर्न बजाते रहेगा वो कार वाला, तो बाइक वाले को क्या सुनाई पड़ेगा यही बताना है। ये बताओ दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फॉर्मूला होता था एफ डैश का, फॉर्मूला होता था वी प्लस माइनस वी ओ वी प्लस माइनस वी एस इंटू एफ, अब ये प्लस माइनस तुम्हें खुद से लगाना पड़ता था, तो बताओ मेरे को आप कि यहाँ पे एफ डैश का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू 343, इधर भी 343, ऑब्जर्वर ये मोटरसाइकिल वाला ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है तो ज़्यादा सुनाई पड़ेगा, ज़्यादा सुनाई पड़ेगा मतलब ऊपर वाला नंबर बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 10 कर देना, नीचे जो सोर्स है वो भी उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई पड़ेगी इसे, तो नंबर बड़ा करना है तो माइनस 5 करना पड़ेगा ताकि नीचे छोटा नंबर आए तो ओवरऑल नंबर बढ़ जाए, इंटू आपको जो दे रखा है 1392, बस ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करोगे बच्चों 1412 ये इसका आंसर आ जाएगा, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
तो कुछ ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि सोर्स की तरफ जा रहा था, ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है तो ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी, तो ऊपर नंबर बड़ा होना चाहिए। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो नीचे नंबर छोटा कर दो ताकि ओवरऑल नंबर बढ़ जाए, क्योंकि सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तब भी ऑब्जर्वर को ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 44, अच्छा 44 सरफेस टेंशन का सवाल आ गया। सर्टन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलाइज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। अच्छा अब ये बताइए मेरे को कि यहाँ पे बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, मान लीजिए एन ड्रॉप्स हैं, सभी की रेडियस आर है और ये मिलके एक ड्रॉप बना रही हैं जिसकी रेडियस आर है। तो बच्चों वर्क डन टी डेल्टा ए होता था, वर्क डन या एनर्जी टी डेल्टा ए होता था। बताइए मेरे को, टी तो टी रहा, डेल्टा ए बताइए मेरे को, ये एरिया ज़्यादा होगा बच्चों, ये इनिशियल एरिया है, ये फाइनल एरिया है और यही एरिया ज़्यादा होगा, ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ये एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगी, शुरुआत की एनर्जी ज़्यादा रहेगी, एनर्जी टी ए होती है, बाद की एनर्जी टी ए होती है, टी सरफेस टेंशन है, शुरुआत का एरिया ज़्यादा होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ना एन, इनका एरिया हमेशा एक सिंगल मॉलिक्यूल के एरिया से बड़ा होता है, तो यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी कम एनर्जी में जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी, तो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, ये बात तो है ही, एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, बाकी तो गलत है। वैल्यू कितनी आएगी वो देख लेते हैं अपन। अब केवल हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे, समझ रहे हो क्या, एनर्जी रिलीज़ हमने निकाल लिया, बाकी अब मैग्नीट्यूड बता दो मेरे को। तो टी डेल्टा है मतलब बोलो इसका एरिया, शुरुआत में इसका एरिया कितना होगा, 4πr² और ऐसे n -4πr² ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो टी इंटू 4π एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब n कैसे निकालोगे, इन सारी ड्रॉप से ये बनाए मतलब वॉल्यूम तो सेम रहेगा, पानी का वॉल्यूम जो n ड्रॉप्स में था उसी से एक बड़ी ड्रॉप बना दी, पानी ना तो जोड़ा है ना तो हटाया, तो पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा। बताओ इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³ इंटू एन, बाद में वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³, 4/3π 4/3π कैंसिल, n की वैल्यू आ जाएगी r³/r³। ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बताओ कितना आएगा, t और 4π तो वैसा ही रहा, अंदर n की जगह क्या आ गया, r³ अपॉन, नीचे भी r³ आता लेकिन ऊपर r² है तो नीचे एक छोटा r ही बाकी रह जाएगा और -r² देखिए मैंने n की जगह लिख दिया, n की जगह r³/r³ लिखा है तो ऊपर r² था इसलिए नीचे एक स्मॉल r बाकी रह गया। अब क्या करो, उसमें से r³ कॉमन ले लो, बताओ यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, तो जो आंसर आ रहा है t इंटू 4πr³। बच्चों इसमें से r³ कॉमन ले लूँगा तो ऊपर 1/r -1R, समझ रहे हो, इसमें से r³ कॉमन लोगे, r² था तो r³ कॉमन लगे तो नीचे r बाकी रह जाएगा, ये आंसर है। इसको आप क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि वॉल्यूम दिख रहा है मेरे को, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ मेरे को क्या बाकी रह गया, 3t तो था ही, 4/3πr³, 4/3πr³ ये v हो गया, वॉल्यूम हो गया, जो सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम दिया हुआ है v, और ब्रैकेट में आ गया 1/r -1R, तो 3vt 1/r -1R, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, प्लस लगाया हुआ है, माइनस कर देंगे, इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, रिलीज हो जाएगी, ठीक है, करेक्शन कर लेना, माइनस ही आएगा, ये इस तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, स्टैंडर्ड सा रिजल्ट बताया हुआ है आपको, तो 44th क्वेश्चन का थर्ड आंसर आ जाएगा, करेक्शन है इसका, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और 45 क्वेश्चन, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ बच्चों सोलर सेल का है, ये हम पढ़ाते हैं कि ये ग्राफ सोलर सेल का है, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या बता पाओगे। बच्चों ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, वाई मतलब करंट जीरो है, करंट कब जीरो रहेगा, जब ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है क्या, नहीं फ्लो कर सकता, तो ये वोल्टेज कौन सा है, ओपन सर्किट वोल्टेज, पढ़ लीजिए, पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होएगा। बताओ ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, वाई एक्सिस पे बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स मतलब वी जीरो होता है, एक्स मतलब वी जीरो होता है,
बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होता है, जब शॉर्ट सर्किट कर देते हैं हम। शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो जो एक पॉइंट था वही दूसरा पॉइंट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये वायर ही तो होता है ना, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए है, ये भी वी ए है तो ये भी वी ए है, तो वी ए माइनस वी ए जीरो हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट मतलब जब पोटेंशियल जीरो हो, इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वो करंट जो शॉर्ट सर्किट में फ्लो करता है, मतलब बी पॉइंट इज शॉर्ट सर्किट करंट। बस यही आप इसको क्या बोलोगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व है सोलर सेल का। तो बच्चों 2014 का नीट का जो पेपर है वो भी आपने डिस्कस कर लिया है इस चैनल पे। आपको 2000 से लेके 2019 तक के नीट AIPMT के सारे पेपर्स मिलेंगे। तीन पेपर्स बाकी हैं 2011, 2012, 2013, वो भी हम जल्दी ही करा देंगे। बच्चों लगे रहिए, फोड़िए, डॉक्टर बनिए और वाइट कोट पहन के एकदम सुंदर लगिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।